बिलियन में, ये बिलियन में 6 जीरो रहते हैं, मिलियन में कितना रहता है, 9 जीरो रहते हैं, और ट्रिलियन में 12 जीरो रहते हैं। याद रखो ट्रिलियन लिखो जरा, अमर अकबर एंथनी बोलता हूँ इसको, अमर अकबर एंथनी। कितने लोगों को पहली बार पता चला, मैथ्स के टीचर्स को भी पता नहीं होता है, 90% टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है बच्चों के। आज पूरा जिसमें दे हैव ओनली स्पोकन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, नथिंग एल्स। देर वर फाइव डिफरेंट टॉक्स, वन वॉज अबाउट जेस टॉक्स विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल, सेकेंड वॉज अबाउट स्किल डेवलपमेंट, थर्ड वन वॉज अबाउट इनोवेशन एंड डिसरप्शन, फोर्थ वॉज अबाउट क्या बोल गया, जस्ट टॉक स्किल डेवलपमेंट इनोवेशन वेलबींग, और एक था ना, वन मोर वॉज, व्हाट वॉज दैट, आई थिंक एडटेक, इनोवेशन लिखा हुआ। इसमें मैंने जानबूझ के गलती किया है, गलती से मिस्टेक बोलते ना, जानबूझ के टीचर ने मिस्टेक करना, गलती से मिस्टेक, सो दैट बच्चों को चांस मिलना चाहिए। टीचर 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 यू आर रॉन्ग, तो आपको पता चलता है कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। स्टूडेंट का इन्वॉल्व, स्टूडेंट को एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को एम्पावर करना इंपॉर्टेंट है। प्लीज राइट द वर्ड्स इन द चैट बॉक्स। एमबीटी याद रखो, एमबीटी एक्रोनिम, बिलियन पहले आएगा, फिर बिलियन आएगा, फिर ट्रिलियन आएगा। मिस्टेक किया था मैंने, फिर मैं डायलॉग बोलता, अच्छा मेरे को नहीं आता, तो बच्चे और खुश होते, मैं भी सीख रहा था, तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता कि हमने कुछ करके दिखाया। और उसी उसी को इन्होंने समझाया है जिसको वो लोग बोलते चैलेंज बेस्ड लर्निंग। क्या बोला, जोर से लिखो, ये भी पहली बार बता रहा हूं मैं, चैलेंज बेस्ड लर्निंग। मुझे नहीं लगता तुमने पहली बार सुना या तुमने इससे पहले कभी सुना। चैलेंज बेस्ड लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कैमरा में पूरा नहीं दिख रहा, चैलेंज बेस्ड लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने नया टर्मिनोलॉजी यूज किया जिसमें SBL, सोल्यूशन बेस्ड लर्निंग, अपना 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 म्यूट करो ना, सबको म्यूट ऑल बोलो, म्यूट करो बच्चे लोग, अपन नहीं कर सकते म्यूट ऑल, चैलेंज बेस्ड लर्निंग। एंड अभी और एक नया टर्मिनोलॉजी उन्होंने लाया, उसको बोलते हैं वो SBL, सोल्यूशन बेस्ड लर्निंग। ये पुराना हो चुका, इधर PBL जो है ना, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, पर्पस बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, अभी ये लोग बोलते पुराना हो चुका, यूके यूएस में से निकल गया, इंडिया में तो कभी आया ही नहीं ये। मैं इसको अमर अकबर एंथनी बोलता, जिसको वो भी लोगों को पता नहीं है। इट इज कॉल्ड, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, पर्पस बेस्ड लर्निंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये तो अभी निकल गया मार्केट से, यूएस यूके यूरोपियन कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अभी वो लोग दो चीज के बारे में बात कर रहे थे, पूरा तीनों दिन का सेशन मैंने अटेंड किया, उसमें दे आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन बेस्ड लर्निंग एंड चैलेंज बेस्ड लर्निंग। सो दिस बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसा हमारे एनईपी और एनसीएफ है ना वैसा है। इनफैक्ट सोनाली मैम, मेरे कार्ड में अभी ऐसा आएगा SBL/CBL, याद रखो। सो दिस इज मी फॉर यू, तारुफ तो करा दिया। वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर देन एडुकेशन, सी एजुकेशन इज अ बिग इंडस्ट्री नाउ, where you, there is a lot of transformation, especially after COVID. So if anybody wants to make money and also enhance themselves, then please connect me. I'll give you a lot of ideas. And I do the work from ideation to execution. Sirf ideas nahi, usko execute bhi karke dikhaye. So I'm an education consultant. Plus, I'm an aforist. Now what is an aforist? Jara Google karo, fast. Likho Google mein, Google karna paap nahi hai. Galat cheeze Google karna paap hai. So try to understand that. What is aphorism? By the way, those English teachers who are there in the audience, aphorism is a figure of speech. Autonomy हम लोग use करते, हम लोग cynic talk use करते, ये सब terms आपने सुना है क्या? English teachers please type this. Autonomy, cynic talk, cynic talk. Views, antithesis,
बहुत इंपॉर्टेंट है. एंटीथेसिस तो पिक्चर में भी यूज करते हैं ना, जावेद अख्तर. हाउ मेनी ऑफ यू नो जावेद अख्तर, ग्रेट रिगार्ड फॉर जावेद अख्तर. जावेद अख्तर वो आदमी है जो इसका पिक्चर लिखता है, शोले, अमिताभ बच्चन का पिक्चर लिखता है. लेकिन जावेद अख्तर ने जब भी स्टोरी को कैरेक्टराइज किया, हीरो से ज्यादा विलन को उसने डिमांड किया. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. बोलेंगे पिक्चर का क्यों कहानी बता रहा हूं. टीचिंग इज स्टोरी टेलिंग, आई रिपीट, टीचर टीचिंग इज स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग से बच्चों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है. दोस्त टीचर्स हु कांट डू स्टोरी टेलिंग इज वेरी डिफिकल्ट. शोले पिक्चर अमिताभ बच्चन से ज्यादा गब्बर सिंह की वजह से फेमस हुआ. मिस्टर इंडिया मोगैम्बो की वजह से फेमस हुआ. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, टू अंडरस्टैंड इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. माय डॉटर इज सेइंग नॉट टू टॉक ऑन दैट. नेक्स्ट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, किसी को कोई क्वेश्चन, दो स्लाइड तो दिखाया मैंने. यस मिसबा, एंटीथेसिस इज इंपॉर्टेंट. सिनेक डॉकी आल्सो, यू नो, मीटोनोमी भी है, कॉज फॉर इफेक्ट, इफेक्ट फॉर कॉज. देखो मीटोनोमी का मतलब है कॉज फॉर इफेक्ट और इफेक्ट फॉर कॉज. वाइस वर्सा भी जा सकते हो, चलो को वाइस वर्सा. सर के ऊपर से जा रहा है, बाउंसर जा रहा है. स्क्रीन इज मार्क, व्हाट इज स्क्रीन इज मार्क, वेट वेट वेट, नीचे ना बहुत. रब करोगे, रुक जा रुक जा, ऊपर का जा. सो लर्निंग हैज टू बी फन बच्चे लोग, लर्निंग हैज टू बी फन टीचर्स. इफ इट इज नॉट फन, पीपल विल नॉट लिसन टू यू. एजुकेशन इज एडुटेनमेंट नाउ. रिमेंबर, टिकटॉक इज बैंड इन इंडिया, बट सबसे ज्यादा एजुकेशन वीडियो टिकटॉक पे देखा जाता है दुबई में, इन मीना. वॉट इज मीना? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका. सबसे ज्यादा वीडियो एजुकेशन के टिकटॉक देखता है. टिकटॉक ने फंड भी रखा है, $50 करोड़ का फंड रखा है एजुकेशन पे. तो दोज हु आर मेकिंग एजुकेशन वीडियोज विल गेट मनी फ्रॉम टिकटॉक इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज. दिस इज अनिस्पीडिया फॉर यू. दिस इज आवर फर्स्ट स्टूडेंट फॉर एनडीए. हिज नेम इज आदित्य. And he passed his NDA in the first attempt. So that also you should know that what we are doing here in India. These children are, both of them are in Ireland now. So a lot of students from Anis classes, students are in different parts of the country. And education has become now local. Local, samajhte hain? Local level mein aap padhao. Aur aapke paas agar technology ho to you can go global. So local or global ka matlab hai local. Try to understand what is local also. Malti, please note down points so that you can make some PPTs for me, whatever I'm speaking. And also save the chat box if somebody has got some questions. Continue, please. Okay, next. This is the topic for today. What is the topic? Tell me again. I call this Amar. This is Akbar. And this is Anthony. Now, how many of you can connect this? Unless and until you don't engage with the child, you are not able to connect with the child. You cannot empower the child. Remember, power is a physics ka word hai, power. Asad sir hai yahan pe. Aur log power ko kya samajhte hai? Work upon time. I repeat, teacher training chalu hai. Power ko log kya samajhte hai? Work upon time. Theek hai. Lekin work upon time mein power aur power scalar hai. Humko direction ki zarurat nahi hai. Sirf magnitude se kaam karna hai. Lekin जो फिजिक्स का टीचर, उसको ये भी पता रहता है कि वर्क को जो है ना हम लोग ऐसा लिखते हैं, वर्क स्केलर है लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. अपॉन टाइम, अपॉन टाइम. तो अभी मेरा जो पावर है ना वो फोर्स हो गया. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बच्चों लोग? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? इट इज वेलोसिटी. तो हमको स्कूल में क्या पढ़ाया गया? पावर वर्क अपॉन टाइम. करेक्ट है, वेरी राइट. There is no question about it. Competitive exam में क्या पढ़ाया जाता है कि वर्क ये स्केलर है और वर्क में हमको दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वर्क आता है, ये अकबर है. लेकिन अभी ये अमर हो गया, ये नॉलेज आपको स्कूल में मिलता है. अकबर, ये भी नॉलेज आपको मिलता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ऑनलाइन टीचिंग में. एंथोनी जो ना, एंथोनी, दिस इज पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी. कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा? ये मार्केट में नहीं है, ये लोग बताते नहीं है. इफ यू, दिस इज कॉल्ड एडवांस ट्रेनिंग. Even in teachers training, you need to go advanced. Basic training and intermediate training will be given by everybody. But if you want to know something very specific, then it is called as advanced training.
Anybody who's interested, please register with us. I will share my number. You can WhatsApp me on this number to understand what I'm saying about advanced training. 9021-305-751. You can WhatsApp on it. प्रजापति आजा इधर आजा हाँ आजा तेरे से बातें करनी हाँ तेरा आवाज आ रहा है प्रजापति, तेरा भी आवाज आ रहा है। ज्योग्राफी का सबसे बेस्ट टीचर, उसका आवाज आ रहा है। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है ना एनडीए पास हुए। तो वी शुड हैव यंग टीचर्स विद यू नाउ। ये प्रजापति ट्रांसलेशन मोशन में ना, ट्रांसलेशन मोशन में पावर है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। रोटेशनल मोशन में ना, रोटेशनल मोशन में भी पावर है, फोर्स के जगह पे टॉर्क आता है और वेलोसिटी के जगह पे ओमेगा आता है, एंगुलर वेलोसिटी। ये भी लोगों को पता नहीं। व्हाट मैं ये बताना चाह रहा आपको कि अगर आपको पढ़ना है ना तो सिर्फ बेसिक और इंटरमीडिएट पढ़ के फायदा नहीं, एडवांस में भी जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, एक मिनट, बट फोर टॉपिक्स आई एम गोइंग टू डील विद टुडे। द फर्स्ट इज एम्पावरिंग, जो पावर पे मैं बात कर रहा, कि आगे का वर्कफोर्स आपका टीचर कैसा होना चाहिए। हमारे पास अभी प्रजापति का आवाज है ना, कि प्रजापति ने एफकेट का एग्जाम क्लियर किया, तो टीचर वो टीचर होगा जिसने खुद किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर किया। ये टीचर के लिए बेंचमार्क होगा। प्लीज राइट बेंचमार्क। ऑल टीचर्स शुड गिव सम एग्जाम। सी, एग्जाम इज नॉट गिवन टू जस्ट जॉइन सम गवर्नमेंट जॉब्स। नो, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर एबल टू क्लियर द प्रिलिमिनरी ऑफ यूपीएससी। तो आपका भाव भी बढ़ेगा और आपको बच्चे रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपके सुनेंगे। तो 42 इयर्स तक हर टीचर बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे सकता। ये एग्जाम देके अपने आपको अपडेट, अपग्रेड और अपस्किल करो तो फायदा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बैलेंसिंग एक्ट। जब आप लोग पढ़ते हैं या कमाने लगते हैं, यू आर इन द टीचिंग एंड यू हैव टू रन योर हाउस और यू नीड टू हैव मनी, मॉनिटरी बेनिफिट के साथ, मॉनिटरी, कितने लोगों को मॉनिटरी मालूम है? मनी का एडजेक्टिव है मॉनिटरी, ये भी लोगों को नहीं मालूम। मॉनिटाइज मनी का वर्ब है, इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है। तो मॉनिटरी बेनिफिट के साथ आपका एकेडमिक एक्सेलेंस भी होना चाहिए। एकेडमिक एक्सेलेंस होने आया है आपको, तो आप अनिस्पीडिया इनसाइट ज्वाइन करो, हम लोग आपको उसके अंदर बहुत सारी चीज प्रोवाइड करेंगे। तो अनिस्पीडिया इनसाइट का लिंक भी आपको भेजेंगे चैट बॉक्स में। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। एवरी टाइम वेर एवर वी गो, वॉट एवर वी लर्न, वी शेयर दैट इन अनिस्पीडिया इनसाइट्स। और अच्छा इंसाइट जाएगा, क्योंकि वो इट विल बी सेंसर्ड बाय माय डॉटर, सो इट विल नॉट बी कट कॉपी पेस्ट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एजुकेशन में इनोवेशन आया है और बच्चों लोग एजुकेशन में डिस्ट्रप्शन आया है। तो अच्छी से अच्छी चीज आपको ऑनलाइन में ग्लोबल कंटेंट मिल रहा है, जिसके बारे में अभी बात करूंगा। तो एजुकेशन अनप्लग्ड एंड एजुकेशन इज 24/7। रिमेंबर, जो सो गया वो डर गया और जो डर गया वो मर गया। ये जो मेरा कंसेप्ट है ना, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, और रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक भी मैं स्टार्ट करूँ। क्योंकि जब इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, और अमेरिका में रात होती है तो इंडिया में दिन होता है। तो जब भी इफ यू वॉन्ट टू रन एन इंडस्ट्री, इट शुड वर्क 24/7। एवरी 6 मंथ्स थिंग्स इन एजुकेशन आर चेंजिंग, तो यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन योर टोज, ऑलवेज ऑन योर टोज। समझ में आता ना, भागते रहना पड़ेगा। Any questions to be asked? The audience, any questions that you want to ask? Any questions which have come in the audience? मैंने देखा नहीं, देखना है? I'm giving a chance to ask so that I'll get connected to what you are understanding. Benchmark, scalar product, teacher should give competitive exam till the age of 42. Very good. Working for Norway. True, sir. Yes, Aliza, I'm very happy that you mentioned Norway. You know what is Norway famous for? Anybody who can tell me? Anybody? Aliza ne baat kiya. See, I am very extempore and I want your inputs. Then only I can. I never come prepared. I have a PPT, but I never rely on the PPT. I want the audience to respond to me. Now, audience, Aliza, there was a teacher called Aliza and she spoke about Norway. Anybody knows what is Norway famous for? I'll tell you, very controversial, but still understand ki Indian peacekeeping force ko, aur Sri Lanka ka jo peace tha na, usme Norway was a mediator. Why? Bahut kam logo ko pata hai. I know it, but I don't want to reply now. You can write in the chat box. Wo topic alag ho jayega. Aur Norway kya ke liye famous hai? Abhi bhi Norway famous hai. What is Norway famous for? You should tell me. Anyway, today's topic is the art of skill development. So how do you develop your skills? Skill sets kaise develop karenge? Anybody? स्किल सेट्स डेवलप करने हैं, एस फॉर स्किल्स है और ये एस फॉर सस्टेनेबिलिटी है, राइट?
प्लीज राइट सस्टेनेबिलिटी। दुबई एक्सपो का तीन डायलॉग था अमर अकबर एंथनी, सस्टेनेबिलिटी, दूसरा क्या था, मोबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज। ये तीनों वर्ड यूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे दुबई ने दुबई एक्सपो 2020 में यूज किया था। सस्टेनेबिलिटी रहेगा ना कब, जब मोबिलिटी रहेगा, मोबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रहेगा तो ही अपॉर्चुनिटीज आएगा। द सिटी नेवर स्लीप्स, जैसे बॉम्बे क्यों है इंडिया का इकोनॉमिक फाइनेंशियल कैपिटल, द सिटी नेवर स्लीप्स। दुबई क्यों है, दुबई के पास पेट्रोल नहीं है फिर भी दुबई क्यों बाकी गल्फ कंट्री से आगे, बिकॉज द सिटी नेवर स्लीप्स। तो सस्टेनेबिलिटी आना के लिए मोबिलिटी चाहिए तो ही अपॉर्चुनिटीज आए, एंड अपॉर्चुनिटीज चेंज हो गया। 2036 में आपको व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगा अगर आपको AI आता है, आपको ML आता है और डाटा साइंस आता है। एनीबॉडी यू कैन टेल मी द फुल फॉर्म, AI का मतलब क्या, ML का फुल फॉर्म क्या, डाटा साइंस का फुल फॉर्म क्या, समबडी यू कैन टेल मी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस, जर्मनी आर्टिफिशियल का पूरा इंटेलिजेंस काउंटर था, या जर्मनी का पूरा काउंटर था, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट स्किल डेवलपमेंट एंड दे टीच मैथमेटिक्स फॉर दैट स्किल डेवलपमेंट ओनली एज पर द ऑर्डर। एज पर ऑर्डर को क्या बोलते हम, अरे होटल में जाते ना तो एक तो ऑर्डर में क्या रहता, वो अलाकार्ट सिस्टम। अलाकार्ट, वेरी गुड सर, प्लीज कैन यू टाइप अलाकार्ट। अभी एजुकेशन अलाकार्ट हो गया सर, समबड़ी किसने रिप्लाई किया है, उनका नाम चाहिए मुझे, वेरी गुड वेरी गुड। एक तो गिरीश बफे होता है, हाँ गिरीश, गिरीश गिरीश, फ्रॉम वेरी पुणे। गुड वेरी गुड, आई वांट योर नंबर। अलाकांटा में और बफेट में क्या फर्क है, प्लीज चेक माय स्पेलिंग इज राइट ऑन इट। बफेट क्या है, सामने सामने रखा जो चाहिए वो खाते रहो, अलाकांटा में तो मेड टू ऑर्डर। जर्मनी इज वर्किंग ऑन दैट मेड टू ऑर्डर, दे आर टीचिंग अबाउट स्किल टू अ चाइल्ड हु वांट्स टू लर्न अबाउट सीएनसी। तो सीएनसी में कितना फिजिक्स चाहिए और कितना मैथ चाहिए उतना ही बच्चों को सिखाया जाता। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में एक बच्चा स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा रहेगा लेकिन बेचारे को कैलकुलस नहीं आता तो वो एग्जाम पास नहीं कर सकता। तो दिस इज ओनली फॉर दोस चिल्ड्रन। थैंक यू गिरीश, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, गिरीश वेयर आर यू फ्रॉम? सर आई एम गिरीश केकर फ्रॉम पुणे बीजी एजुकेशन। हाँ सर, वी मेट, थैंक यू सर, वी मेट सर एक बार मिले, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे को थोड़ा सा अभी बुढ़ा हो गया ना तो सोचना पड़ता है, अभी आपका चेहरा देखा तो याद है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड एनीथिंग इफ आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग और कॉन्ट्राडिक्टरी प्लीज हेल्प मी आउट। नो सर, माय प्लेजर। या सो आई लर्नड थ्री वर्ड्स इन दुबई, फैक्ट फोर वर्ड्स व्हिच आई शेयर विद यू एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ टीचर हैज टू बी अ कॉन्सियर्ज, ये फ्रेंच वर्ड है, किसी को उसका मीनिंग मालूम है? टीचर हैज टू बी अ कॉन्सियर्ज, पता नहीं मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं, वो फ्रेंच बोर्ड में नहीं बात कर सकता, हाँ लेकिन पता होना चाहिए कि कॉन्सियस मतलब कौन होता है, उनके केयर टेकर होता है जो आपको लेके जाता है, घुमाता है, लेके आता है, सारी चीजें दिखाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना अभी आजकल नया वर्ड है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, टॉक अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो कॉन्सियस होना चाहिए टीचर को, उसका मीनिंग चेक कर लो आप। और टीचर को ये भी दो मीनिंग वाला मालूम होता है, एक तो कॉन्ग्लोमरेट है और दूसरा कॉन्टिनम है। कॉन्टिनम का मतलब समझो, यू हैव टू गैदर टुगेदर, जैसा फॉर एग्जाम्पल है ना एरिया ऑफ सर्कल पढ़ाने के टाइम, या फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, पहले इंटीग्रेशन के पहले बच्चों लोग समेशन था, समेशन सीरीज, आई डोंट नो मैथमेटिक्स टीचर्स आर देयर, तो समेशन सीरीज अभी इंटीग्रेशन रिप्लेट करते हैं। इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, एक छोटे से क्वांटिटी को इंटीग्रेट करके फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। वैसे आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना पड़ेगा, और ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना पड़ेगा कि बच्चों को समझ में ही नहीं आया कि वो लर्न कर रहे हैं और एक्चुअली 40 मिनट में लर्निंग हो जाती है। उसको ये लोग जो है ना यूरोपियन कंट्रीज को फ्लिप क्लासेस बोलते हैं, जो इंडिया में मैंने लाया था पहला कोविड के टाइम पे, उसको लॉट्स टू हॉट्स बोलते हैं। व्हाट इज लॉट्स टू हॉट्स बच्चे लोग, एनीबॉडी यू कैन टेल मी व्हाट इज लॉट्स टू हॉट्स? फ्रॉम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। 40 मिनट्स का एक जूम सेशन जो फ्री होता था, उसमें किसी भी टॉपिक को लोअर ऑर्डर से चालू करके हायर ऑर्डर पे खत्म कर, एंड एक ऐसा प्रॉब्लम देना जिसको हम कॉनुंड्रम बोलते हैं। रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सारे जर्नलिस्ट यूज करते हैं, सारे न्यूज़पेपर में मिलेगा आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम बच्चों को देना जिससे कि वो बच्चे के लिए चैलेंजिंग हो गए, जिसको ये लोग बोलते हैं ना चैलेंज बेस्ड एजुकेशन, सोल्यूशन बेस्ड लर्निंग। ठीक है, द अदर थिंग, इसको जूम कर सकता है, ये जरा ट्यूबलाइट है। बहुत सारे बच्चों के पास आइडियाज होता है, उस आइडियाज को हम उनको लर्निंग मोड में लाना है, उसको एजुकेशन देना है और क्रिएटिव बनाना है, और बच्चों का हाँ लर्न क्रिएट
आइडिएट एंड देन एजुकेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को चैलेंज बेस्ड लर्निंग बोल रहे हैं वो लोग। ये बोल रहे हैं बियॉन्ड द स्कूल है ना, वो बोलते हैं क्लास के बाउंड्रीज को एक्सपांड करो, क्लासरूम को भी बच्चों को मत पढ़ाओ, क्लासरूम के बाहर भी बच्चों को। तो दैट इज व्हाट एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज अबाउट। ये बुझाएंगे? ठीक है, नहीं बुझा तो चलेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट, एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? नॉर्वे इज फेमस फॉर नॉर्दर्न लाइट्स। आई शेयर्ड माय नंबर अलीजा एंड टॉक टू यू अबाउट नॉर्वे लेटर ऑन, बिकॉज वंस आई टॉक अबाउट नॉर्वे आई विल बी गोइंग आउट ऑफ द वे। वो पूरा गैट होता है, गैट मेरा लेक्चर होता है सर रोज शाम को, उसका नाम लेक्चर का नाम अनस्पीड है। मैंने बंद किया था, मैं आगे अभी वापस पुनः संडे में पहुंचूंगा, मंडे से स्टार्ट करूंगा। एवरी डे मॉर्निंग सर 4 to 4:30। यस सर। सर ये आउट ऑफ द स्कूल आप कह रहे हो कि द डायलॉग जो है वो सब बात कर रहे हैं, तो ये आउट ऑफ सिलेबस अगर कुछ ज्यादा हो गया तो बेसिक तो भटक नहीं जाएगा? हाँ सर आपका सही है, लेकिन मैं अब उसका आपको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा स्कूल जो भी है, चाहे हमारा स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईबी बोर्ड हो, और ये बोर्ड में जो अभी हम लोग स्कूल में पढ़ाते जो 1 to 10th या K-12 में हम जो पढ़ाते ना, उस पढ़ाई से आपका बच्चा एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करता वो कभी पास नहीं हो सकता। अभी एनटीए कौन कौन सा एग्जाम कंडक्ट करता सर? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो बॉडी है जो JEE का एग्जाम कंडक्ट। कितने लाख बच्चे बैठते हैं? 2 बार साल में 16 लाख बच्चे बैठते हैं। एनटीए वो बॉडी है जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करता है। नीट का एग्जाम कितने लाख बच्चे बैठते हैं? इस साल 20 लाख के ऊपर बच्चों ने एनरोल किया था। और एक एग्जाम है जिसको मैं हमारा ब्रांच नहीं बोलता, CUT, ये भी 15 से 16 लाख सिर्फ का, सबसे कम महाराष्ट्र के बच्चे बैठते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र वाले ज्वाइंट नहीं थे यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये तीनों एग्जाम एनटीए कंडक्ट करता। मैं आपको और 4 एग्जाम का नाम बताऊं जो एनटीए कंडक्ट करता, वो है नवोदय जो 5th स्टैंडर्ड में होता है, ये भी एनटीए कंडक्ट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है सैनिक स्कूल, जो पहले हर स्टेट अलग अलग करता है, अभी आज सेंट्रलाइज्ड एग्जाम है एनटीए का, 70-30 रेशियो में खेलते वो भी एनटीए कंडक्ट करता है। तीसरा एग्जाम है आरएमएस जो इंडिया में 5 है, वो भी एनटीए कंडक्ट करता है। इंडिया में 5 सेंटर्स है, जबरदस्त एग्जाम। चौथा एग्जाम है आरएमसी जो इंडिया में एक ही है, वो देहरादून में, एक स्टेट से एक बच्चा लिया जाता है, सिर्फ 30 बच्चों को लेते हैं, वो भी एनटीए एग्जाम कंडक्ट करता है। अभी सर मेरा ये आपको बताना है, बिजनेस सीक्रेट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम लोग इस चारों एग्जाम को कोचिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे पास। उसके बाद बच्चा SPI पढ़ने आता है 10th के लिए, जो भी SPI महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉडी कंडक्ट करता है। 2 एग्जाम तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, NTC है, NTSC और KVPY। उसके नाम पे उन्होंने और एग्जाम लिया है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर यशस्वी योजना, ये भी लोगों को पता नहीं है। और मैं सोनाली मैम कौन सा एग्जाम लाया अभी, वो वर्ल्ड बैंक फंडेड एग्जाम। सोनाली मैम वर्ल्ड बैंक ने फंड करके एक एग्जाम अभी चला ना महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का स्कॉलरशिप एग्जाम होता है 5th और 8th में। अभी महाराष्ट्र का स्कॉलरशिप एग्जाम 5th और 8th का स्कूल के सिलेबस में या स्कूल ने टीचर ने जो पढ़ाया उसके ऊपर वो बच्चा 5th और 8th का स्कॉलरशिप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। एनटीए तो बहुत दूर की बात है। ये जो एनटीए के एग्जाम से इसको क्लियर करने के लिए उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग लेना ही पड़ेगा, या फिर सैटरडे संडे स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। स्कूल सर अगेन बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, ये आउट ऑफ सिलेबस आप कह रहे हो कि उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाना है, क्योंकि आपको तो पता है थोड़ा बहुत मेरा बैकग्राउंड अगर याद आ रहा है तो, बाहर ले जाना अच्छी बात है, बच्चों को हम दिखाएंगे फैक्ट्री दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, लेकिन अगर ये ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का उसका प्रिपरेशन तो स्कूल का मतलब स्कूल ने छोड़ दिया है क्या? ये स्कूल ने करना ही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल स्कूल ने कर दी। और आप जो टूरिज्म करते हैं ना सर, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टडी टूर्स जो आप कराते हैं वो स्टडी टूर्स इज इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा कंसेप्ट ऐसा है कि 180 डे स्कूल चलता है, 180 डे स्कूल को छुट्टी है ना। मैंने आपसे बात भी किया था कि मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे बच्चे वीर सावरकर का प्रिजन देके जाके अंडमान निकोबार, और मैं वो लेके जाने को तैयार है विदाउट प्रॉफिट। आई डोंट वांट टू मेक मनी फ्रॉम द चिल्ड्रन, बट इफ इन दिस 180 डेज दे गो एंड विजिट IITs जो हमने ऑलरेडी किया है, दे गो एंड विजिट ISERS एंड दे गो एंड विजिट IIMs एंड दे गो एंड विजिट NDA व्हिच वी ऑलवेज डू, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। सर जो बच्चे मेरे को ढूंढ के आते हैं, मेरे को गूगल करके आते हैं, उनको पता है मैं सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक पकाने वाला हूँ, फिर भी बच्चे मेरे पास क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया है कि मुझे NDA में ऑफिसर बनना है। आज मैं दुबई में एक बच्चे को मिला, एक कोर्स है गुड़गांव में, सोनाली में मैंने आपको भेजा था वो कोर्स, जरा मुझे वापस भेजो। गुड़गांव में सर गुरुग्राम में एक कोर्स है,
जो 37 लाख रुपीस चार्ज करता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, दुबई में बैठा हुआ बच्चा गुरुग्राम को गूगल करके, उस वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है और 37 to 40 लाख खर्चा करने तैयार है। मैंने उस बच्चे को गुजरात का ईडीआई के बारे में बताया, पर उस बच्चे को वहां नहीं जाना है, उसने उसका मन बना लिया कि वो गुरुग्राम में जाए, एंड ही सिटिंग इन दुबई हियर, एंड पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू सेंड हिम टू इंडिया, बट स्टिल ही वॉन्ट्स टू गो बिकॉज यूट्यूब ने इसको इन्फ्लुएंस किया और उसको बताया कि आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेनर, और वो एंटरप्रेनर सिखाते हैं। हमारे यहाँ ज्ञान प्रबोधिनी जो इंस्टीट्यूट है पुणे में, वो एंटरप्रेनरशिप सिखाते हैं। अविनाश धर्माधिकार एंटरप्रेनरशिप सिखाते हैं। कितना इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो एंटरप्रेनरशिप सिखा रहे हैं? एंटरप्रेनरशिप सिखाने के लिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है मास्टरमाइंड, वो क्लास लेता है, वो बच्चों को मॉल में भेजता है, 100 रुपीज देता है। जो अविनाश धर्माधिकार है, मैं ज्ञान प्रबोधिनी का स्कूल का नाम क्या था सदा मैम, सोनाली मैम, स्कूल का नाम क्या, मैं हमेशा उसका बताता हूँ। डिगडी में भी एक स्कूल है, वो राखी बनाने के लिए बच्चों को 500 रुपया देते हैं और फिर उनको बिजनेस सिखाते हैं, तुमने राखी बनाया, राखी बना के बेचा, अभी हमें को बताओ कि कितना तुम्हारा टाइम लगा, कितना तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। सो दे टीच एंटरप्रेन्योरशिप टू स्टूडेंट्स, हु इज डूइंग इट, नोबडी इन इंडिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बोलूंगा हर स्कूल को 180 डेज ही आप पढ़ाओ, 180 डेज को आप स्कूल के बच्चों को बाहर भेजो, बच्चों के खर्चे पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोनाली मैम आर यू नॉट देयर, आप नहीं है क्या मीटिंग में? मैंने एक स्कूल के उनका उनका ज्ञान प्रबोधिनी जैसा स्कूल है और वहां के बच्चे अपने पास पढ़ने भी आए हैं और वो बहुत इनोवेटिव टेक्निक से, उनका स्कूल का नाम क्या है और गुड़गांव की डिटेल का तो भेजो। चले गो नेक्स्ट, इसको ये करो, रब कैसे करें, रब मत कर, रब मत कर, दिस इज नर्सरी टू नौकरी सर। यहाँ पे मैं जो बोलता ना इसने उड़ा दिया, यहाँ पे गोरे लोग जो उसको बोलते ना, गोरे लोग बोलते फोनिक्स टू फ्लुएंसी, फोनिक्स टू क्या था, फ्लुएंसी, ये गोरे लोग का डायलॉग है। अभी वो गोरे लोग का क्या है, फर्स्ट लर्निंग जनरेशन नहीं है वो, उनका लर्निंग जनरेशन क्या है, वो थर्ड लर्निंग फोर्थ लर्निंग, वो तो पढ़ने टाइम पास के लिए आते या वो पढ़ने के लिए उनको जॉब नहीं चाहिए। हमारा मकसद क्या है, हमारा फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, हमारा बच्चा नर्सरी में डाला ना तो उसको नौकरी मिलना चाहिए, ये हमारा मकसद है। देन ओनली वी कैन गो टू टू टायर थ्री टायर विलेजेस वेर वी कैन इम्प्लीमेंट दिस। 12th के बाद मेरा ये कंसेप्ट है, मेरा ये विजन और विजन है कि कोई भी बच्चा माँ बाप के पैसे पे नहीं पढ़े, और इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, प्रॉब्लम क्या है बच्चों को पता नहीं, वेज एंड मींस ऑफ बच्चों को पता नहीं कि हाउ दे रीच हियर, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिटरेसिटी नंबर्स से मैंने सर, बात किया, नहीं सॉरी टू इंटरप्ट, नहीं सर बिल्कुल इंटरप्ट, आई वांट यहाँ समबडी टू, पे आप जो कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि 12वीं के बाद वो बच्चा अपने पैसे मतलब पेरेंट्स के पैसे पे सीखना नहीं चाहिए। यस वेरी गुड, एक्सेप्टेड। अभी सर इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, ये जैसे वहां पे इंटरनेशनली आपको भी पता है ये लोग पार्ट टाइम काम करवाते हैं बच्चों से, एवरी वर्क्स ओवर देयर, वो टाइप का कल्चर इंडिया में नहीं है इंटर्नशिप नहीं वाला। सर, हमारे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लानिंग टू ओपन अ क्लास इन दिल्ली, कैन आई गो टू द नेक्स्ट पोस्ट, ओके व्हाई नाउ टेल मी व्हाई दिल्ली, आई टू लास्ट वीक आई विजिटेड दिल्ली फॉर अ करियर गाइडेंस सेशन, और मैं मुखर्जी नगर में क्लास चालू करना चाह रहा हूँ। मैं क्यों मुखर्जी नगर में चालू करना चाह रहा हूँ सर, चलो आप लोग पूना में आते, मैं सदाशिव पेट में क्लास चालू करना चाह रहा हूँ। मैं सदाशिव पेट में क्यों क्लासेस चालू करना चाह रहा हूँ, नॉट फॉर मेकिंग मनी, सदाशिव पेट में आपको 4 घंटा काम करने वाले, घंटों का काम मिनटों में करने वाले टीचर्स मिले। सदाशिव पेट एक हब है जहां पे यूपीएससी पढ़ने के लिए ऑल ओवर महाराष्ट्र बच्चे आते हैं, यूपीएससी एमपीएससी, उनको टीचर बनना नहीं है, उनको क्लास खोलना नहीं है, उनको एजुकेशन में जाना है, उनका टारगेट क्या है, मैं 8 घंटा पढ़ू और मैं 4 घंटा काम करूं, सो दैट ये 4 घंटा काम करने से मेरा टिफिन का और मेरा रहना खाने का खर्चा निकल जाए, सो दैट मैं माँ बाप के खर्चे पे नहीं पढ़ू और मेरे को यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम क्लियर कर रहा है। अभी एक लड़का मेरे को मिला, वो है इधर विपिन, यहाँ एक बहुत बड़े क्लासेस, नाम नहीं लेना चाहता, मेरा कंप्यूटर है वो वहां पढ़ाता है, मेरा दोस्त है, मैथ्स पढ़ाता है, पहले वो टॉपर में था, टॉपर के बाइजू ने टॉपर को खरीदा तो वो दुबई में आया, अभी वो उसको अच्छा सैलरी मिल रहा है दुबई में, लेकिन इस बच्चे का विजन है कि मैं 25 साल के पहले मेरे को यूपीएससी पास करना है, उसकी बहन की शादी है, पैसे कमाने के लिए दुबई में आया, अभी उसने डिसाइड किया कि मैं 2 साल जाऊंगा और यूपीएससी एमपीएससी पढ़ू। तो ऐसे बच्चे ही अच्छे टीचर है, टीचर ट्रेनर्स को, टीचर्स को बोल रहा हूं मैं, ये टीचर्स ही पढ़ा सकते हैं क्योंकि ये टीचर लोगों ने ऑलरेडी यूपीएससी का प्रिलिमिनरी वो आईएफएस आईएएस आई बड़ी बड़ी की बात नहीं कर रहा, कलेक्टर नहीं, लेकिन तलाटी का तो एग्जाम क्लियर किया रहता, और यही टीचर के साथ आज के बच्चे बॉन्ड बनाते हैं। हम लोग जो है ना इमिग्रेंट्स है और आज के जो बच्चे हैं ना वो नेटिव्स है, आज के बच्चों को पढ़ाने के लिए ना आपको यंग ब्लड लगेगा,
और वो यंग ब्लड आपको सदाशिव पेट में मिलेगा, जहां 4 घंटा पढ़ाने को आएगा। आप गाड़ी दो, आप उसको पैसे दो, पर वो पढ़ाएगा। क्यों पढ़ाएगा? उसको क्लास नहीं खोलना है, उसको अपना खर्चा निकालना है। और वो कैसे टीचर्स होते हैं, विल बी वेरी वेल ट्रेन। जो दूसरा टीचर 8 घंटा उसको स्कूल में टीचर जा रहा है, सारे टीचर कम्युनिटी बैठे है, 8 घंटे में एक स्कूल में जाने वाला टीचर 4 घंटा ही पढ़ा रहा है। 4 घंटा वो मैनेजमेंट उसको ऐसा काम दे रहा है, बोर्ड बुझाओ, क्लर्क का काम करो, अकाउंट्स का काम करो, मैनुअल बनाओ, जो वो टीचर का काम ही नहीं है। मेरे जो मेंटर है वो हमेशा बोलते हैं, मेरा डायलॉग है, बार बार लिखता मैं, करने वाले काम नहीं करेंगे ना तो नहीं करने वाले काम में मुबतला हो। तो नॉर्मली टीचर्स को है ना, वो हर काम करने को लगाते हैं जो टीचिंग नहीं है। तो टीचिंग का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आई रिप्लाई टू योर आंसर सर। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इज क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइज लर्निंग। मतलब आपको एनवायरमेंट देना पड़ेगा, और ये एनवायरमेंट आपको सर, और एक आपको बताता मैं सर, आपने पूछा ना, आप गूगल करो, बिकॉज यू आर वेरी गुड एट गिरी सर। पॉन्डिचेरी, जिसको अभी बच्चों लोग लिख लो, पॉन्डिचेरी जिसको अभी पुदुचेरी बोलते हैं, ये फ्रांस का यूनियन टेरिटरी था। वहां पे एक फाउंडेशन है जिसका नाम सृष्टि, SRISHTI। ये लोग क्या करते हैं मालूम, स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल मतलब हम लोग यहाँ पे, यहाँ लोग हम लोग नहीं बोल सकते, यहाँ यहाँ PWD बोलते हैं। PWD मतलब पीपल विद डिटर्मिनेशन। बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर यहाँ पे तो आपको पीपल विद डिटर्मिनेशन के लिए आपको यहाँ पार्किंग के लिए भी अलग है, आपके लिए टॉयलेट्स भी अलग है, टैक्सी अलग है। यहाँ पे इतना इसका ऊपर काम करते हैं कि सृष्टि करके पांडिचेरी में एक टीम था, जो मैं जस्ट में मिला, जो स्पेशल चाइल्ड है, उनको पूरा वो एनवायरमेंट देते हैं जहां पे वो अपना खुद का काम खुद करते। एक विलेज है, स्कूल नहीं है, मतलब विलेज को ही उन्होंने स्कूल बनाया। पुदुचेरी आप गूगल करो, आपको मिलेगा। किसने गूगल किया, मैं दोबारा बोलता हूँ, गूगल करना पाप नहीं है। सृष्टि करके, सृष्टि फाउंडेशन, आप बच्चों को वहां लेके जाके दिखाओ, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये कौन मेरे को मिला मालूम, ये कौन मिला, एक स्मिथ नाम का लड़का मिला, जो कवर कर रहा था, लिखने का किधर था ये, क्या किधर, आप इसको भी गूगल करो सर, बहुत अच्छा फाउंडेशन, द प्रेम रावत फाउंडेशन, TPRF। ये फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है, प्रेम रावत फाउंडेशन। इनको भी मिला मैं, सब गोरे ना सर, इनको गुरु मानते। जितने गोरे आए थे ना, मैं सुबह 8 बजे दुबई के ट्रैफिक में लोग उनका लेक्चर सुनने पहुंच गया था। मैं फिर देखा, ये ऐसा कौन आदमी है, द प्रेम रावत फाउंडेशन। ये लोग भी सिखाते हैं, जैसे हार्टफुलनेस और माइंडफुलनेस है, फ्री एजुकेशन दे रहे। दिस बिकॉज उनका ये बोलना है कि एनवायरमेंट को और एजुकेशन से आप वर्ल्ड में पीस ला सकते हैं, ये इनका फिलोसफी है। और मेरा विजन विजन ये है कि आपको लोगों को आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम में लाना है तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। आपको लोगों को, लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको एक्सेलेंस में लाना है तो आपको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, एजुकेशन में आना पड़ेगा। तो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लासरूम मॉडर्न होना चाहिए। आप एक सर, एक एक मैंने लोगों को पहचाना, जालिंगा, आप गूगल करो, जालिंगा इतना जबरदस्त चीज है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, कि पूरा बच्चा ऐसा लगेगा कि छोटा चेतन पिक्चर देख रहा है 3D में। तो अगर हम 3D इमेज क्लासेस में नहीं लेंगे तो बच्चे ध्यान नहीं देंगे। बच्चों को बाइनोकुलर्स देना, याद है हमारे बचपन में हम लोग छोटा चेतन पिक्चर देखने जाते थे थिएटर में। अभी क्लासरूम को आपको 3D करना पड़ेगा, तो ही बच्चों को हम एंगेज कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, लेकिन हम ट्रेडिशनल को नहीं छोड़ेंगे, ट्रेडिशन के साथ बाकी सारे चीजें। ट्रेडिशनल सर टीचिंग, टीचर एक कभी रिप्लेस नहीं हो सकता, लेकिन टीचर को ये सारे टूल्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे एक टर्म ट्रिग्नोमेट्री एक मुझे टूल अभी है अक्रॉस मैथमेटिक्स आया में। सर, हाँ ये उसमें वो ही वाज सेइंग समथिंग गेमिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी सर, सिर्फ इन पंचगनी आई नो टू टीचर्स, सोनाली मैम कैन यू टेल देम नेम्स, आई फॉरगॉट द नेम, दे आर बोथ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, सो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। पंचगनी में वो एक स्कूल में पढ़ाते, जहाँ पे वो तारे जमीन पर पिक्चर का शूटिंग हुआ था ना, वो वहाँ उस स्कूल में पढ़ाते हैं, तो मैं उनको मिला था। उनके पास एक ऐसा लर्निंग टूल है ना, इंग्लिश सिखाते वो थ्रू गेमिंग, और उसमें कोई हारता नहीं सर। सबसे बड़ी बात यह, बच्चों को हमको हार जीत नहीं सिखाना है, खेलना सिखाना है। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा बताया ना, मेरे पास 4 चीजें जो मैंने खुद डेवलप किया और मार्केट में ला रहा हूं मैं हर क्लास के बच्चों को। बच्चा स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड टू गो टू स्कूल, देर इज नो नीड टू गो टू होम स्कूलिंग और नो स्कूलिंग, तो अलग अलग चीज है। जरा चैट बॉक्स में लिखो, व्हाट इज होम स्कूलिंग, कोई बताएगा व्हाट इज होम स्कूलिंग?
एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो स्कूलिंग, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। ऑनलाइन स्कूल चालू कर सकते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो ट्यूशन क्लासेस को भी स्कूल का परमिशन दे रही है। तो मेरा ये बोलना है कि आपको मैथ्स पढ़ाना है, आपको इंग्लिश पढ़ाना है, आपको एप्टीट्यूड पढ़ाना है और आपको साइकोलॉजी पढ़ाना है। ये चार चीज अगर आपने पढ़ाया तो आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। और ये आने वाला है, और एनईपी भी उस पर बात कर रहा है, एनसीएफ भी उस पर बात कर रहा है, गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा क्योंकि इतने टीचर्स नहीं है। तो उसके लिए ऑनलाइन टीचर का भाव बढ़ रहा है। देखो आप, ऑनलाइन टीचर का भाव क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो वॉल्यूम में पढ़ा रहा है तो कम पैसे में काम हो जाता है, क्योंकि टीचर्स हमारे स्किल्ड नहीं है। जो ऑलरेडी टीचर्स है वो स्किल होने के लिए तैयार नहीं है, और जो स्किल्ड टीचर्स है वो बहुत पैसा बना रहे। सर ये आपने क्या बताया, मैथ्स इंग्लिश, इंग्लिश क्यों इंग्लिश बोल रहे हैं? क्यों, लैंग्वेज जरूरी है। नया एजुकेशन पॉलिसी पाली को भी हाईलाइट कर रहा है, संस्कृत को भी हाईलाइट कर रहा है, परिकृत को भी हाईलाइट कर रहा है, और पता नहीं क्यों लेकिन पर्शियन को भी हाईलाइट कर। अमर अकबर एंथनी है, ये लो टीचर ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टीचर्स, राइट इट डाउन, थ्री लैंग्वेज दे आर हाईलाइटिंग, पाली, परिकृत इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड पर्शियन, संस्कृत का दूसरा नाम है परिकृत। एक्चुअली वी आर नॉट अलाउइंग टू रिकॉर्डिंग, पाली, परिकृत एंड पर्शियन। YouTube पे लिंक शेयर हो जाएगा, ठीक है? एनी क्वेश्चंस ऑडियंस, एनी क्वेश्चंस? नो प्रॉब्लम, कोई जरूरी नहीं पूरा कंटेंट बता रहा। आर यू गेटिंग, जरा बोलो समझ में आ रहा क्या? जरा चैट बॉक्स में लिखो सर, जरा बच्चों को लिखने को लगा चैट बॉक्स में, समझा लिखने लगा, समझा तो लिखने लगो ना, समझा, चमका लिखो, चमका, टीचर्स प्लीज राइट चमका, राइट सिंटैक्स, सिंटैक्स लिखो टीचर लोग, लिखो बच्चों से भी लिखाया करो, ऐसा पता चला कि मेरे को और गिरीश सर को समझ रहे हैं, हम लोग दोनों ही बात कर रहे हैं, बाकी आपको समझा तो लिखो समझा, चमका, जिंटेक्स, जिंटेक्स का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मेरा एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म आ रहा है एजुकेशन पे, जिसका नाम है jintexideas.com, स्टार्टिंग में भी जेड है और लास्ट में भी जेड है, जिसको मैं आप लोग बोला ना फ्लिप क्लास, क्लास में जब भी पढ़ाते हैं ना तो वापिस से जो स्टार्ट किया उसी पर एंड कर, आई बी डूइंग दिस। कौन सा रीडिंग? हाँ वो ये ना, लीड रीडिंग और क्या, लिस्टिंग और राइटिंग और क्या, स्पीकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर वो चार चीज चलता है। जा नीचे जाना, देखो इसके ऊपर चार चीज चलता है बच्चों लोग, जो बहुत फेमस है, जो हर टीचर ने देना चाहिए, हर टीचर ने IELTS का एग्जाम देना चाहिए, हर टीचर ने TOEFL का एग्जाम देना चाहिए, हर टीचर ने GRE देना चाहिए, हर टीचर ने GMAT देना चाहिए, हर टीचर को SAT और ACT पता होना चाहिए। ऑनलाइन बैठ के पैसा कमा सकते हैं आप लोग, मिनिमम आपको 200 रुपए मिलेगा ये सब पढ़ाने के। IELTS जो भी इंग्लिश टीचर है उसको अगर 7.5 से लेके 8 बैंड्स बोलते हैं आराम से मिलेगा, ऑटोमेटिकली IELTS अगर आपने दे दिया तो लोग आपको ढूंढ के आएंगे। मेरा एक दोस्त है अफजल, जिसका मैं नंबर आपको शेयर करता हूँ, वो गूगल इनोवेटर है, गूगल इनोवेटर इंडिया में सिर्फ 14 है, उसमें से वो एक है। वो गूगल इनोवेटर को मैं इंडिया में आपके स्कूल में ला सकता, 5,000 रुपया में वो आपको गूगल ट्रेन सर्टिफाइड टीचर बना सकता, ओनली फॉर 5,000 रुपीज यू कैन बी अ गूगल सर्टिफाइड टीचर। हाँ इफ यू रजिस्टर विल शेयर द लिंक टू यू, एंड इफ यू आर अ गूगल सर्टिफाइड टीचर पीपल विल कम एंड लर्न फ्रॉम यू, गूगल विल सर्च यू दैट यू आर अ गूगल सर्टिफाइड टीचर। कितने लोगों के बाद पहली बार मालूम पड़ा, देखो पहली बार ऐसा पहली बार हुआ है, थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई हैव इज कॉल्ड यू नो पावर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्किल। एक्चुअली एक वर्ड है, काफी है वो वर्ड आपके लिए, डेसिमिनेशन। सब लोग लिखो, मेरा स्पेलिंग है राइट है को भी चेक करो, इतना सारा कंटेंट है ना, मेरी बेटी भी बोलते कंटेंट बनाओ कंटेंट, मैं चुप बैठता, मेरा बोलने का मतलब क्या है बात को समझो, कंटेंट बहुत है मार्केट में, अभी सिंगेज करके एक बुक है, इससे अच्छा बुक तो आपको मिलेगा ही नहीं, लेकिन ये सिंगेज का बुक कितने टीचर पढ़ा सकते हैं? देखो मैथ्स का सबसे अच्छा बुक है मार्केट में, ये लोग मेरे को कमीशन नहीं देते, लेकिन लिख लो बुक का नाम है सिंगेज। अभी सिंगेज का मैथ्स अगर किसी ने पढ़ाया तो कोई भी टीचर अच्छा टीचर बनेगा, लेकिन सिंगेज का कंटेंट डिसिप्लिन करने वाले कितने टीचर्स? मैं बोल रहा हूँ घंटों का काम मिनटों में करना, दो दो घंटे का वीडियो नहीं, बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका 2 घंटे का वीडियो देखे,
कंटेंट इज नॉट द किंग, जो कंटेंट को डिसिमिनेट करता वो किंग है आज मार्केट में। कितने टीचर्स को कंटेंट को डिसिमिनेट करने आ रहा था, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन। एजुकेशन बच्चों को घंटों का काम मिनटों में होना चाहिए। अच्छा सर लिखो, घंटों का काम मिनटों में होना चाहिए, जिसमें ना ये सब देखो, ये सब बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, क्रिटिकल थिंकिंग, इस पर मैं 2 घंटा बात कर सकता हूँ। अभी मैंने बात किया प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीबीएल, पर्पस बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो कि आया भी गया भी, इंडिया में हवा भी नहीं लगा, ये भी समझ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अडेप्टेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट अडेप्टेबिलिटी। रेलेवेंट चीजें पढ़ाओ। मैंने कई बार देखा टीचर्स को इधर उधर की बात करते, कई टीचर मेरे यहां भी, मैं नाम नहीं लेता, इतना भारी टीचर है लेकिन क्या करेगा, इधर उधर की बात करेगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। बच्चों को सुनना ही नहीं है तुम क्या हो, बच्चों को वो सुनना है जो उसको चाहिए। ये बात समझो मैं बात कर रहा हूं। 40 मिनट के क्लास में 19 मिनट ही टीचर बात करेगा, 20 मिनट बच्चे ने बात करना चाहिए, और 1 मिनट जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मुहासभा। सर लिखो सर, मुहासभा, जिसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं रिट्रोस्पेक्शन। रिट्रोस्पेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों से पूछो ना बच्चों को क्या चाहिए, कुछ भी बात कर रहे हैं आप, कुछ भी। इसलिए तो ऑनलाइन में 20% बच्चे, 80-20 तो उन्होंने दुबई में भी बात किया है सब लोगों ने। ये मैं तो वो 10 साल से बात कर रहा हूँ 80-20 का, मैं वो 80-20 का फोटो भी भेजा है दुबई प्रोजेक्ट पे, देख लो आप। रियल लाइफ लर्निंग ममता, बच्चों के कनेक्टेड लर्निंग चाहिए, ऐसी चीजें पढ़ाओ जो बच्चों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा एग्जाम्पल दो जो बच्चों को समझ में आए। कितने लोगों को मतलब मैं एग्जाम्पल, कई टीचर को यही नहीं मतलब कि एग्जाम्पल का वर्ब जो होता है ना वो होता है एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई का स्पेलिंग नहीं आता, लिख के देता मैं, चैलेंज है मेरा। EXEM आता, EM, इधर ए है इधर ई है, यही बात टीचर को नहीं मालूम तो बाकी क्या बताएगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, नेक्स्ट पेज, एक मिनट के बाद बताता हूँ, देखो पाई के बारे में ना बताता। इंक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है ये मालूम होता है। स्टूडेंट सेंट्रिक मतलब क्या, अनिस क्लासेस स्टूडेंट सेंट्रिक है। हमारी अकेडमी क्या है, फराना मैम बहुत चिढ़ती है मेरे पास, कोई भी बच्चा कभी भी आया मैं उसको ना नहीं बोलता, मैं कभी निगेटिव नहीं मारेगा, उसका कोई भी डिमांड है मैं उसको 1-to-1 टीचर दूंगा। क्योंकि अभी यहाँ दुबई में बड़े बड़े क्लासेस बंद हो गए, 1-to-1, 1-to-5, 1-to-7 और 1-to-19 ही चलेगा। 19 से ज्यादा बच्चे रहेंगे ना, कल मैंने एक बच्चे से बात किया, मेरे क्लास में आता, नाम नहीं बताता, बोले कोचिंग में क्यों जाओ सर, स्कूल में 30 बच्चे है, कोचिंग में 40 बच्चे है। अभी फिर मैं स्कूल का नहीं समझता करके कोचिंग लगाया, स्कूल में 30 बच्चे है, कोचिंग में 40 बच्चे, तो मेरे समझ भी नहीं आता क्या चल रहा। तो कोविड के बाद बच्चों को 1:1 पढ़ाना पड़ेगा। अब चार्ज ले लो, पब्लिक देगी पढ़ा पैसे, लेकिन 1:19 से ज्यादा बच्चे क्लासरूम में रहेगा ना तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी मैं वो आदमी हूँ जो 200-200 बच्चों को एक साथ पढ़ाया हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 20 से ज्यादा बच्चे क्लासरूम में नहीं होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर कोविड। इसलिए कोलैबोरेट करो। कोलैबोरेट कैसे करो, मान के यहाँ के लोग, जैसे मैंने क्या देखा, यहाँ पे क्लासेस वाले कॉम्पिटिशन करते इंडिया में, यहाँ पे क्लासेस वाले मिल के वो कोलैबोरेट करते और गवर्नमेंट से सीप उठाते। यहाँ जितने भी मैंने जैसे लोगों को देखा वो मिनिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं अपने आप को। तो मेरे पास अगर मैथ्स है, किसी और के पास इंग्लिश है, किसी और के पास कुछ है, कोलैबोरेट करके यहाँ पे ज्वाइन करो। कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एज। और लर्नर लर्निंग डिसेबिलिटी है, याद रखो, अमिताभ बच्चन का बेटा है ना अभिषेक बच्चन, उसको भी डिसेबिलिटी था। तो अभी ये LD सबको है कोविड के बाद, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो बच्चे के प्रॉब्लम है कि बच्चों को बेसिक से जाना पड़ेगा। हम बच्चों को टॉन्ट नहीं मार सकते, अरे तेरे को नहीं आता क्या, तू क्या कर रहा, तू ऑनलाइन पढ़ रहा क्या। ऑनलाइन पढ़ने से बच्चों को रोको मत, लेकिन उसको समझाओ कि ऑफलाइन के टीचर तेरा ऑनलाइन के टीचर से अच्छा है, क्योंकि वो तेरे को मेंटरिंग भी करेगा। मेंटरिंग भी इंपॉर्टेंट है। दो चीजों की बात करता हूं मैं हमेशा, एक जो अभी है ना, एक बात करता हूं मैं जो मेरे लिए नया है, तुम लोग के लिए भी नया है, बात करता पाए। कितने लोगों को मालूम पाए को कितना वैल्यू रहता है? अरे बच्चों लोग, पाए, पाए का वैल्यू कितना है, लोग 22/7 लिखते हैं। तो 22/7 पाए जो 22/7 है ना, ये पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, याद रखो, ये रैशनल नंबर है। देखो बात को समझो, 22/7 ये रैशनल नंबर है, वही पाई अगर आप बात करें तो इरेशनल नंबर है। बच्चों को ये समझ ही नहीं आता, बच्चा बोलता पाई को तो मैं 22/7 लिख रहा,
फिर ये पाई इरेशनल क्यू और 22/7 रैशनल क्यू, ये समझाना पड़ेगा बच्चों को। एजुकेशन में भी ऐसा ही प्रॉब्लम है, हम जब तक बच्चों को बेसिक नहीं पढ़ाएंगे तो उसको कोडिंग नहीं आएगा, उसको साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग नहीं आएगा। कोडिंग आने के लिए उदय सर है क्या, ज्योमेट्री आना जरूरी है, एल्जिब्रा आना जरूरी है। उदय सर अच्छा टीचर इसलिए कि वो 8, 9, 10 को एल्जिब्रा ज्योमेट्री पढ़ाता था, तो उसके लिए टीचर्स को बोलता हूँ कि वर्कशॉप अटेंड करो। यहाँ पे दुबई गवर्नमेंट उसको बोलते सीपीडी, जब तक सीपीडी नहीं है ना तो वो सैलरी इंक्रीमेंट नहीं करते, तो सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा। जैसा फॉर एग्जांपल इंडिया में डॉक्टर्स को कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना पड़ता है, हेलो क्या मैम? नो साउंड, साउंड नहीं व्हाट एवरीवन योर प्लीज होल्ड इंटरनेट फॉर अ कनेक्शन इज मिनट सर अनस्टेबल। इज जॉइनिंग विद इन अ तू मिनट देयर वाज नेटवर्क हेलो इशू सर इज जॉइनिंग विद इन अ मिनट नेटवर्क इशू बच्चन दुबई में चला क्या दुबई में चला ठीक है बच्चन क्या या वन मिनट जरूरी है क्या मुझे बच्चन सम नेटवर्क इशू क्या बोल रहा नेक्स्ट इज अबू बकर को मालूम 9th बी में है बच्चा, 9th बी में है अबू बकर, बोल अबू बकर अजान नहीं भाई स्कूल से ट्रेनिंग सेक्शन है वहां जाना है, दाम की चलती है तो नहीं भाई सम टेक्निकल प्रॉब्लम बच्चों लोग गिव मी अ मिनट। ब्रेक लेना पड़ता है ना, ये आपको पता है इसको पोमोडोरो इफेक्ट बोलते हैं। एनीबॉडी नोज व्हाट इज पोमोडोरो इफेक्ट? नेक्स्ट पेज पे जाओ, किसने सुना ये पोमोडोरो इफेक्ट? लिखो जरा पोमोडोरो इफेक्ट, किसी को पता है व्हाट इज पोमोडोरो इफेक्ट? किसी को ये पता है कि फेमेन, ये आदमी का नाम सुना है फेमेन? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। पोमोडोरो इफेक्ट पता होना चाहिए, 1 मिनट का ब्रेक जरूरी था, 1 घंटा हुआ बात करा था ना, तो कुछ चीजें जरूरी भी होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम ट्राइंग टू कम बैक टू इज किड्स आर वेरी क्रिएटिव जीनियसेस, ये याद रखो। एक जितने बच्चे भगवान ने पैदा किया ना सब जीनियस रहते। मैंने आपको कहा ना
आज मैंने वो यूज किया, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट. लिखो ये, एक पोएम है आर डब्ल्यू एमर्सन का. भगवान ने ना, ऑलमाइटी ने सबको टैलेंट दिया है. हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते. बच्चे सिर्फ अपना 40% दिमाग यूज करता है. नाना पाटेकर का डायलॉग है ना, छोटा बिंदु, तो वो 40% यूज होता है. कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम टीचर्स का. सब्जेक्ट टीचर अच्छा रहेगा ना, तो बच्चे को सब्जेक्ट में पढ़ने में पैशन आ जाता है. तो टीचर आर द वन विल बी क्रिएटिंग जीनियसेस फॉर द किड्स. तो बच्चों का जो दिमाग है ना, उसको अनलॉक करना बहुत जरूरी है. उसको इसके लिए पूरे 3 दिन का जो निचोड़ है जस्ट में, मैंने ये देखा कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए. इसलिए हम लोग अभी आजकल अलाउ कर रहे हैं पिकनिक जाने के लिए. बच्चों को पिकनिक क्यों जाने का, पैसे कमाने के लिए लेके जाते हैं ना, पैसे कमाने के लिए नहीं लेके जाने का. टीचर का बॉन्ड स्टूडेंट से होना चाहिए. तो ही वो प्रॉब्लम है, तो ही वो प्रॉब्लम हल हो सकता है. कितने लोगों ये बात मालूम है, ये वर्ड का मीनिंग मालूम है, इनेट का मीनिंग मालूम है? प्लीज राइट डाउन इनेट. डू यू नो द मीनिंग ऑफ इनेट? चेक आउट द मीनिंग ऑफ इनेट. इनोवेशन का मतलब पता है? इनोवेशन, डू यू नो व्हाट इज इनोवेशन? डू यू नो व्हाट इज ट्रस्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट मैं हमेशा कहता हूँ टीचर ट्रेनिंग में, मैथ्स का टीचर बच्चों को 40 मिनट्स मिलता है, और उसका जो रिक्शा वाला है ना, वो 1 घंटा जाने के लिए और 1 घंटा आने के लिए. दुबई में मैंने देखा 6:30 बजे नमाज के बाद देखा मैंने, 6:30 बजे स्कूल बस आती है और स्कूल चालू होता है 8 बजे. पहला बच्चा वो स्कूल बस में जब बिठाते 6:30 को बिठाते, और 8 बजे तक मतलब 1.5 घंटा स्कूल बस में बच्चा सो के जाता है. मैंने लिटरली देखा, मैं फोटो भेजूंगा आपको. मम्मी डैडी बच्चे को टिफिन विफिन डाल के, यूनिफॉर्म डाल के, बच्चा क्लास वो स्कूल बस में बैठ के सोता है. अगेन इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल. चेक व्हाट इट इज और गिव मी सम अदर कनेक्शन. एंड व्हाइल कमिंग आल्सो, अगर स्कूल छुट्टा है दोपहर में 2 बजे, स्कूल में घर से आता है 4 बजे, तो स्कूल वाली मौसी और स्कूल वाला बस ड्राइवर 1.5 3 आवर्स इन इंडिया 2 आवर्स स्पेंड करता है, और टीचर सिर्फ बच्चों के साथ 40 मिनट स्पेंड करता है. वो भी 40 मिनट में 40 स्टूडेंट है वो बच्चे के पास, टीचर के पास. तो इनडायरेक्टली एक स्टूडेंट को एक ही मिनट दे पा सकता है. तो हाउ विल द स्टूडेंट टीचर बॉन्ड इंक्रीज? इट विल नॉट इंक्रीज. So you have to do some activity by which the bond increases. Number of classes in Dubai closed down. The reason is they are changing teachers. Farhana ma'am, aapke liye. You cannot change the teachers. What they do, they have divided teachers branch wise, and one teacher goes to teach trigonometry, the other teacher goes to teach calculus, and one teacher is going to teach only one subtopic in all the branches. What has happened is there is no bond between the teacher and the student. The class is closed down. Retention rate nahi hai. So teacher-student bond is very important. I hope I have answered your question. This is very important. Do the next one, scripture. Any question to ask? Haan, Vaishnav, bond banana zaruri hai. Isme log tere se jyada bonded hai. क्योंकि तू बच्चों को माइंडसेट तैयार करता है. माइंडसेट तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो तभी हो सकता है जब हम वो गैप एलिमिनेट करेंगे. है ना, वो गैप था ना, एक है कंडक्टर और एक है इंसुलेटर और एक है सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर पता है ना, फिजिक्स. कंडक्टर में ये गैप जो है ना कम रहता है. इसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में? फॉरबिडन एनर्जी गैप. कितने लोगों ने सुना इसको? ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना. कैसा रहता है, अभी क्लासरूम है और यहाँ पे स्टेज है, यहाँ बच्चे लोग बैठे हैं और यहाँ पे टीचर खड़ा है. टीचर अपने प्लेटफॉर्म से उतरता ही नहीं. तो ये मैं इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलता हूँ. ये गैप तोड़ना पड़ेगा आपको. टीचर को आके स्टूडेंट के बाजू में बैठना पड़ेगा. और मेरे पास वो कंसेप्ट है जब एक टीचर है और दो टीचर है, जिसको हम बोलते हैं मदर टीचर्स. कितने लोगों को कंसेप्ट मालूम है? ये हम लोग केजी एलकेजी यूकेजी में करते हैं ना. एलकेजी और क्या, यूकेजी में और नर्सरी में हमने मदर टीचर रखते हैं नैपी चेंज करने के. नैपी नहीं चेंज करना है, याद रखो. वो मदर टीचर को
नापे समझने का, इसका मीनिंग बताओ नापे का, कौन बताएगा नापे का मीनिंग? ये नापे और ये नापी में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नापी एंड नापे? इन द जूनियर क्लासेस देयर इज वन मेन टीचर एंड देयर आर टू सपोर्टेड टीचर्स व्हिच वी कॉल मदर टीचर, एंड दिस असिस्टेंट टीचर्स विल असिस्ट द मदर टीचर टू चेंज और वो बेड साफ करने में, बच्चों को एंगेज करने के लिए. बड़े क्लासेस में भी अगर आपके पास 20 से ज्यादा बच्चे हैं ना, एक मेन टीचर होना चाहिए और दो असिस्टेंट टीचर होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट दे कैन लर्न, दे विल गेट ट्रेन्ड, एंड द मदर टीचर शुड ऑल्सो रेस्पेक्ट द असिस्टेंट टीचर. इट्स नॉट दे शुड नॉट टॉन्ट देम इन फ्रंट ऑफ दिस क्लास और इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड. Anybody who can tell me the difference between nappy and nappe? Is this something new? Anybody? Ye word conics mein aata hai, conics mein. Ye bhi hint deta main. Asad sir, dhoond ke nikalo. Nappe ka meaning dekho, nappe ka. Google karo, Google karna paap nahi hai. To main yehi hamesha teachers ko batata hu, baar baar batata hu, ki teachers ABC likh raha hu main triangle mein. अगर ये वन और ये टू और ये थ्री है तो ट्रायंगल बनता गया. एनीबॉडी? अरे वन प्लस टू थ्री है ना, इज द ट्रायंगल पॉसिबल? एनीबॉडी, इज द ट्रायंगल पॉसिबल? इफ यस से यस, इफ नो से नो. यू नॉट एबल टू हियर मी? हेलो अजत सर, मेरा वॉइस क्लियर है क्या? जरा अनम्यूट करके बात करूं. जी भैया क्लियर है वॉइस. वेरी गुड. हाँ हाँ, तो आगे तो ट्रायंगल बनता क्या नहीं बनता? अमन सर, वन प्लस टू इक्वल थ्री, ट्रायंगल बनता है नहीं बनता? नहीं भैया, वो कंडीशन है दो साइड का सम किसी से बड़ा बनता नहीं बनेगा भैया. ऑलवेज ग्रेटर देन होगा सर. वेरी गुड अमन सर, हमारे मैथ टीचर है. ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी. Are you able to hear me? Khurshid Khan sahab? Yes, audio gone. Audio, I'm coming back. I'm there. Are you able to hear me? Yes, sir. I was asking forbidden energy. I was talking about conductor. I was talking about physics. I was talking about why there should not be any forbidden energy gap between the teacher. Teacher ko superconductor banna padega. Next slide. Iskar sir, recording chhod na. Kon record kar raha? रिकॉर्डिंग बंद कर दो. टीचर हैज टू बी अ सुपर कंडक्टर. व्हाट इज अ सुपर कंडक्टर? व्हाई इज द टीचर हैज टू बी अ सुपर कंडक्टर? टीचर हैज टू बी अ सुपर कंडक्टर फॉर सिंपल रीजन इज सुपर कंडक्टर में बैरियर नहीं है, फॉरबिडन एनर्जी गैप ओवरलैप होता है. हमको टीचर और स्टूडेंट में कोई रिलेशन रखना नहीं है. दैट इज इंपॉर्टेंट. यस अकील रहमान, जीरो रेजिस्टेंस. याद रखो, हमको रेजिस्टेंस क्या करना चाहिए? पैरल में खेलना चाहिए क्या सीरीज में खेलना चाहिए? पैरल में क्यों नहीं खेलना चाहिए और सीरीज में क्यों खेलना चाहिए, कोई बताएगा मेरे को? सीरीज अच्छा क्यों नहीं है? सीरीज अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि सीरीज में जितना भी हम तीन चीजें आर जो लगाते ना, तीन आर, ये तीन आर के बारे में बात करूं, तो हम जितना भी रेजिस्टर लगाएंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है. हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना नहीं है, हमको रेजिस्टेंस को घटाना है. तो रेजिस्टेंस में बढ़ाना, तो हमको पैरल में काम करने का. पैरल में क्यों काम करने का? उसमें सट्टा क्या है? एनीबॉडी नोज व्हाट इज सट्टा? ये सट्टा अनीस कुट्टी का एक डिवाइस है.
किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में बताना है, एफोरिज्म्स में यूज करता हूं, टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करता हूं चीजों को समझाने के लिए. माय नेम इज अनीस. ये सट्टा, ये पैलिंड्रोम भी है. कितने लोग पैलिंड्रोम समझता है? पैलिंड्रोम इज समथिंग विच यू कैन रीड फ्रॉम सट्टा. आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, जैसे मलयालम आप आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, सेम होता है. पढ़ाई भी ऐसे ही होना चाहिए. मुझे जस्ट में एक आदमी मिला था जो मैथ्स को म्यूजिक से कनेक्ट करा था, जैसे ना ऑक्टेव. कितने लोग ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक पता है? व्हाट इज ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक? समथिंग ऑफ दैट सब. सारे गामा पादा नी सब अगेन कनेक्ट करता था. देखो एक सट्टा तुमको बताता है, असत्सर का सट्टा है. सट्टा है कि अगर मैंने सीरीज में कुछ लगाया, ये पांच लगाया और दस लगाया, सुनो मैं क्या बता रहा, पांच और दस लगाया, इसका रिजल्टेंट आंसर पांच से कम आएगा. कितने लोगों को मालूम है बात? मालूम है तो हाथ ऊपर करो, मालूम है तो हाथ ऊपर करो. व्हाट आई एम सेइंग समथिंग वेरी न्यू. फाइव और टेन है आपके पास, फाइव और टेन है आपके पास. आपने अगर दो रजिस्टर को लगाया तो उसका रिजल्टेंट आंसर फाइव से कम आएगा. इसलिए एक से ज्यादा टीचर इसलिए यूज करेगा. एक टीचर अगर रिलक्टेंट है समझाने के लिए तो दूसरा टीचर उसको और अच्छे से समझाएगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अमर अकबर अंतरी तीन टीचर है, ये दस वाला है, ये पांच वाला है और ये चार वाला है. अभी तीन टीचर को इस्तेमाल कर रहा हूं मैं और तीनों तीनों लोग पैर Recording stopped. I am talking about problem solving skills. बच्चों लोग, teachers try to understand. थोड़ा सा हाई फाई बात कर रहा हूं लेकिन बात को समझो. दोबारा समझा था मैं. बच्चों पे इंपैक्ट क्रिएट करो. इंपैक्ट करियर गाइडेंस से इंपैक्ट होगा, करियर अवेयरनेस से इंपैक्ट होगा और करियर रेडीनेस से इंपैक्ट होगा. टीचर को ही करियर काउंसलर बनना पड़ेगा और बहुत यंग एज में उसको समझाना पड़ेगा कि करना क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा बात करता हूँ, एक एग्जाम है जो एग्जाम का नाम गाओ का है. कितने लोग एग्जाम के बारे में लिखो जरा चैट बॉक्स में. गाओ का चाइना में सिक्स स्टैंडर्ड में ही बच्चों को पकड़ दे. व्हाट इज गाओ का एग्जाम? नो ऑडियो दिस. व्हाट इज गाओ का एग्जाम? हाँ, नाउ नाउ यू एबल टू हियर मी? Say yes, anyone? बचपन में ही बच्चों को पकड़ना चाहिए कि कर तो मैंने जो रेजिस्टेंस और सीरीज और पैरेलल का एग्जांपल दिया, कितने लोगों को समझ में आया? जरा चैट बॉक्स में लिखो समझ में आया. थैंक यू. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल. तो रेजिस्टेंस इन सीरीज यस यस कमिंग बैक. बात कर दो. तो रेजिस्टेंस सीरीज का एग्जांपल को नेक्स्ट वाला पेज, नेक्स्ट पेज. आई रिपीट वंस मोर, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था. मैंने क्या बताया आपको, देखो बात को समझो. अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और दूसरा एक रेजिस्टेंस है, ये पांच और ये दस है. मैं मैथ समझा रहा हूँ, टीचर ट्रेनिंग में समझा रहा हूँ. मेरे को रिजल्टेंट निकालना है ना, वन अपन आर. वन अपन आर वन अपन फाइव प्लस वन अपन टेन. वन अपन आर जो है ना, इसका एलसीएम टेन हो गया. यहाँ टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मेरा रेजिस्टेंस आंसर ऑफ टेन बाई थ्री है, उस 3.3 आएगा. बोलने का मकसद क्या है बात को समझो. हमारे यहाँ क्या होता है, टीचर्स में ईगो होता है. एक से ज्यादा टीचर पढ़ाते हैं ना, तो हम लोग जब टीचर्स को कनेक्ट करते हैं
तो याद रखो अभी पांच और दस का टीचर कनेक्ट किया उसको मैंने और एक चीज पैरल में और एक चीज पढ़ाने बोला समझो तीन ओम वाला, तो नेट रेजिस्टेंस वो सब्जेक्ट के बारे में आंसर तीन से कम आएगा, इट विल बी लेस देन थ्री, सो दैट इट इज एन इजी फ्लो फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दिस. आई विल नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन इट. द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज वेलबींग, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल हाइजीन. क्या बोलते हैं इसको? मेंटल हाइजीन. कितने लोग ये वर्ड सुना है? देखो मेंटल हेल्थ को ही मेंटल हाइजीन बोलते हैं. बच्चा घर में डिस्टर्ब है और घर माँ बाप के झगड़े है और घर में प्रॉब्लम्स है उसको और या टीचर को प्रॉब्लम्स है, उसका गुस्सा वो क्लास में नहीं निकालना चाहिए और वो बच्चा भी अफेक्टिव होना चाहिए. तो बच्चे को पहला मेंटल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए. टीचर शुड गिव देम कॉन्फिडेंस दैट डेफिनेटली वी आर देयर फॉर हिम और हर. सो फॉर दैट एवरी स्कूल शुड हैव अ साइकोलॉजिस्ट एंड प्रेफरेबली लेडीज सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स आर नॉट गोइंग इन हिज हेड. वो बच्चों को गुस्सा है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप कितने से अच्छे से पढ़ाएंगे ना तो बच्चा नहीं समझ पाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड थिंग्स. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माइंडफुलनेस, जिसको हम लोग हमारे यहाँ एवरी सैटरडे एक घंटा होता है. आप उसको मेडिटेशन बोलो, माइंडफुलनेस बोलो, प्रेयर्स बोलो, एनीथिंग, योगा बोलो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड. जो पोमोडोरो इफेक्ट है ना, 25 मिनट का पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक, वो ब्रेक से वो वापिस रिफ्रेश होता है. So see that you have a tuck shop. Do you know the meaning of tuck shop in your campus? So student canteen where the student can, you know, energize himself or herself with things. अभी हमारे हमारे हमने हमारे क्लास में चेस बोर्ड लगाया. सो बच्चा पढ़ता है, बोर होता है तो एक गेम चेस खेल के फिर चले जाते. सो उसको ऐसा कुछ जो रिलैक्सेशन के लिए जो भी इनोवेटिव हो और उसके माइंड के लिए काम आए, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस. इनफैक्ट द अदर नेम फॉर माइंडफुलनेस इज कॉल्ड हार्टफुलनेस. रिमेंबर the role of sports teacher is also very important. We send all the children for one of the sports. They have to go. And there should also be some physical activity for them. तो दिस इज व्हाट छोटे छोटे बातें हैं लेकिन आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज टेल मी योर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. ओके, तो मैंने क्या क्या बात किया? वेलबींग पे बात किया, मेंटल हाइजीन पे बात किया, करियर गाइडेंस पे बात किया. टीचिंग का भी माइंडफुलनेस होता है और वो बहुत पहले से होना चाहिए. मेरा डायलॉग है, क्या डायलॉग है जरा लिखो. मैंने कहा आपको नर्सरी टू नौकरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नौकरी मिलना चाहिए 12th के बाद, बाबा के पैसे पे नहीं पढ़ना चाहिए, उसको माइंडफुलनेस बोलते हैं. देखो मैंने इससे पहले भी बताया, जब बच्चा 6 साल का रहता ना तो 6 लैंग्वेज सीख सकता है, जब बच्चा 7 साल का रहता ना तो 5 ही लैंग्वेज सीख सकता है, जब 8 साल का होता है तो 4 लैंग्वेज सीखता है, जब 9 साल का होता है तो 3 ही लैंग्वेज सीखता है. तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज है ना बच्चों लोग, ये वर्ड जो लैंग्वेज है उसका एडजेक्टिव है लिंग्विस्टिक. बात को लिंग्वल से आया, और लिंग्वल किसका एडजेक्टिव है? टंग का एडजेक्टिव है. बता टंग. ऑडिबल नाउ मालती? रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड. यस यस. आई वाज टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, आई वाज टॉकिंग अबाउट लिंग्विस्टिक, आई वाज टॉकिंग अबाउट लिंग्वल. रिमेंबर लिंग्वल इज द एडजेक्टिव ऑफ टंग. हम क्या बोलते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट. इसलिए कभी भी टीचर क्लास में प्रिपेयर्ड आया, लेसन प्लान बना के आया, लेसन प्लान में वो खुद टीचर यूट्यूब देखे, ऐसा कुछ बताए बच्चों को जो इंटरेस्टिंग है, फन है, उसी को माइंडफुलनेस बोलते हैं. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गूगल करो आई नर्चर
करके एक वेबसाइट भी मिलेगा आपको, देखो आई नर्चर, बच्चों को नर्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आना चाहिए, उनका सेल्फ कंट्रोल टीचर को भी होना चाहिए कि घर के गुस्से को क्लास में नहीं लाना चाहिए, स्किल्स को अपडेट करना इंपॉर्टेंट है, अभी भी अनस्टेबल है, इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, है ना। बच्चों के लाइफ पे चार क्वेश्चन होते, एक सोशल क्वेश्चन होते, क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, या डू दैट इमीडिएटली, सोशल क्वेश्चन है, इमोशनल क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, और एक एडवर्सिटी क्वेश्चन है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो बच्चा, हम हर क्लास में हर बच्चे को फर्स्ट आना सिखाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, तो जो सेकंड आया वो बच्चा क्या करना, वो पता नहीं क्या करना, तो इसके लिए प्रॉब्लम है कि फर्स्ट आना के अलावा हाउ द स्टूडेंट इज यूनिक इन अ डिफरेंट वे, दैट हैज टू बी टॉट इन अ क्लास ऑफ 40 किड्स। तो एवरी किड इज यूनिक, एवरी किड गॉड हैज गिवन देम टैलेंट, एंड एवरी टैलेंट इज वेरी एनहांसिंग। मैंने आपको पहले कहा ना, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइसली पुट, ये एफोरिज्म है, फिगर ऑफ स्पीच है, जहां पे भगवान कहता है ऑलमाइटी सेइंग दैट आई हैव गिवन टैलेंट टू एवरीबॉडी, हाउ दैट टैलेंट इज यूनिक, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड बाय फोर फैक्टर्स पैरामीटर्स। तो वन इज द एडवर्सिटी क्वेश्चन, बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं, बोलते कोटा में सुसाइड करते हैं, बहुत कम बच्चे सुसाइड करते हैं, लेकिन सुसाइड इसलिए करते हैं कि वह उसका एडवर्सिटी क्वेश्चन पे उससे किसी ने बात नहीं किया। मैं अगर ऑफिसर नहीं बनू, अगर मेरे को इंजीनियरिंग का टिकट नहीं मिला, या मैं मेडिसिन में नहीं जाऊंगा, तो मैं सुसाइड करूंगा, ये कौन सी बात है। इसलिए उसको बोलना पड़ेगा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, शाहरुख खान का डायलॉग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। अच्छा, आप ये भी देखो आपके क्लास में वो बच्चे ज्यादा आगे जाते हैं जिसका सोशल क्वेश्चन बहुत हाई रहता, इसलिए जब एनडीए में ऑफिसर बनते हैं, पांच रिटर्न एग्जाम पास होने के बावजूद भी पांच दिन का एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, ये पांच दिन में एसएसबी में ये देखा जाता है कि बच्चे का लीडरशिप क्वालिटी, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, कैन एनीबॉडी राइट व्हाट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन द चैट बॉक्स फॉर मी, व्हाट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, इफ यू कैन टेल मी व्हाट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, दैट आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, समबडी आयशा सुमंगल इज समबडी देयर, राइट, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन द चैट बॉक्स सो एवरीवन कैन सी, उसमें एक क्वालिटी है जिसको हम इनिशिएटिव बोलते हैं, यू नो व्हाट इज इनिशिएटिव, इनिशिएशन करना, बच्चों को इनिशिएट करना ही नहीं, इनिशिएट करना बहुत जरूरी है, और उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ना, वो उसका इमोशनल क्वेश्चन होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इधर बहुत आगे गई थी, हाँ बस बस देखो, मैं ये बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था मैं, मान क्या, जैसा ट्रायंगल नहीं बनता बच्चों लोग, ठीक कैसे लिखेंगे इस पर, ये ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल, मैंने क्या कहा आपको, ट्रायंगल में एबीसी एक ट्रायंगल है, इफ दिस इज वन, दिस इज टू एंड थ्री, रिमेंबर वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, रिमेंबर दिस टीचर्स, दे डोंट नो, ऑडिबल ना, एम आई म्यूट, आई एम ऑडिबल, इज इट, एम आई ऑडिबल, असद सर एम आई ऑडिबल, यस यस ऑडिबल, कोई तो भी लिखो चैट बॉक्स में, ऑडिबल नहीं है सर, यू आर ऑडिबल, ठीक है चैट, यू आर ऑडिबल, तो उसी तरह से ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये ट्रायंगल बनाया मैंने एबीसी, ए के ऑपोजिट ए रहता है, ये भी बच्चों को समझाओ, सिमेट्री लाना बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में, देखो तीन अमर अकबर एंथनी है, एक पढ़ाई में आपको सिमेट्री लाना पड़ेगा, एक आपको रिंग स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा,
और एक आपको पढ़ाई में कोहेरेंस लाना पड़ेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आपका जो ए प्लस बी है ना शुड बी ग्रेटर देन सी, एंड आपका जो बी प्लस सी है ना शुड बी ग्रेटर देन ए, आपका ए प्लस सी शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन बी, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये मैथ्स का फंडामेंटल है, ये 90% टीचर्स को नहीं पता ये बात, तो ये बात आना जरूरी है। उसी तरह से चार चीज के बारे में बात किया मैंने, एडवर्सिटी क्वेश्चन, एक इमोशनल क्वेश्चन, एक तुम्हारा सोशल क्वेश्चन और एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन। रिमेंबर आपका जो इमोशनल क्वेश्चन है ना वही आपका एंटरटेनमेंट क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये आपको बोलते ना जिस चीज का पैशन है, मेरा पैशन है टीचर ट्रेनिंग, मेरा पैशन है मैथ्स पढ़ाना पैशन है, तो मेरे लिए बोरिंग नहीं होगा। मेरा बोलने का मतलब है बच्चों लोग, सोशल क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन जो है आपका, ये दोनों सोशल क्वेश्चन और आपका इंटेलिजेंट इमोशनल क्वेश्चन है जो आपका, वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन से ज्यादा होना चाहिए। स्टीफन फ्लेमिंग का नाम किससे सुना है? स्टीफन फ्लेमिंग का नाम, स्टीफन फ्लेमिंग, आइंस्टाइन, इनका सब इंटेलिजेंट क्वेश्चन 320 के रेंज में जाता था। नॉर्मल ह्यूमन बींग का जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है वो 80 के रेंज में रहता है। तो एक आदमी अच्छा परफॉर्म तब कर सकता है उसका उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन से ज्यादा है। कितने लोग बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? Somebody please save the chat so that I can answer the questions later on. I'm not able to see some technical issues, I'm not able to see that. तो join करो तो मेरे को जरा इसमें चैट देख सकते हो। Join करना। चैट पीछे गया। Okay? कुछ मत कह रहे सर, मेरा बोलना छोड़ दे। Understanding. Malti is understanding. Okay, Malti just save the chat so that we can make different slides. So this is a big problem all over the world. How to manage big emotions. हम लोग आजकल है ना वो है ना आपने देखा रहेगा big data. ऐसा पढ़ा था ना big data. ऐसा नया नया नाम देखा रहेगा ना. आजकल big data पढ़ाना बहुत important है. Big data के बारे में हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा मालूम है. लेकिन उनके emotions को regulate करना बहुत important है. और बच्चा इमोशन सेल्फ रेगुलेट कर तब कर सकता है जब उसके पास माइंडफुलनेस है या उसके पास हार्टफुलनेस है। कल या परसों वैष्णव ने एक बच्चे को पकड़ा, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर था कोई, और उसने उसको किधर और ही लेके गया आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस एस्पेक्ट्स। टीचर के हाथ में कि बच्चे ने कैसे बिहेव करना चाहिए। तो फोकस तब होगा जब टीचर काम रहेगा, सबर जिसको बोलते हैं, सबर पेशेंस, जो टीचर के पास रहता ही नहीं है। ये टीचर के पास बहुत पेशेंस चाहिए। आप इमेजिन करो, मैं हमेशा बच्चों को बोलता कि मैंने 35 इयर्स में मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितने बार लिखा होगा और कितने बार लिख सकता, फिर दोबारा लिखता हूं। बस अगर हमारे पास सबर नहीं है तो हम टीचर नहीं बन सकते, बनना भी नहीं है टीचर ने। नेक्स्ट करता। Now this is another aspect जिसपे इन्होंने तीन, देखो जैसमे ना आपको लाइव भी जाएंगे ना आप जाओ, मैंने आपको बोला जैसमे उसका लिंक भी भेजता। जैस जो ना मैं दोबारा बोलता, जैस या डायडैक या कोई भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जाओ, इन्होंने 5 जगह अलग अलग बात किया था। एक जगह उनका स्किल था और एक जगह वो लोग सिर्फ वेलबींग पे बात करते, एजुकेटर वेलबींग पे। ऐसा उनका 9 सेशन था और 3 दिन चला, 9 3 कितना सेशन हो गया 27। ऐसा उनके पास 5 कंपार्टमेंट थे अलग अलग, तो कितना बातचीत हुआ रहेगा। तो मोर देन 100 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। और सुनो ऐसी चीजें मैंने सुना ना, मैं 35 साल से लाइन में, मैंने भी नहीं सुना था वो सारी चीजें मैंने सुना। तो अनलेस एंड अंटिल आप अपने आप को अपडेट नहीं करें तो फायदा नहीं है। ये वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन इंडस्ट्री में। अगर टीचर का वेलबींग के लिए अनीस क्लासेस में हमने नॉन टीचिंग स्टाफ को भी रखा है। मैंने जैसे आपको कहा ना, एक एग्जांपल दिया मैंने कि टीचर का काम नहीं बोर्ड बजाना, नॉन टीचिंग स्टाफ का काम है कि बोर्ड बजा के देना, एनोटेट करना, लैपटॉप लगा के देना, क्योंकि
पुराना टीचर है उसको टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, तो नॉन टीचिंग स्टाफ उतना इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ सिस्टम बनाया मैंने, मेंटर का जो टीचर होता है, एक बड़ी का जो नॉन टीचिंग आता है, और एक काउंसलर का, ये ट्रायंगल में खेलना पड़ेगा आपको, तो ही आपका क्लास, आपका स्कूल आगे बढ़ेगा। देखो एजुकेशन का वेलबींग साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड? हॉस्पिटल से जाने से पहले, तो इसका स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है रोल। आपने कितने लोगों ने इसका पीएफए का फुल फॉर्म सुना है? मैं तो पहले से बात कर रहा हूँ ना, मेरे जो टीचर्स है, मैंने कई सालों से मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं अभी गेस्ट में आने के बाद भी वो लोग यही बात करे, पी फॉर साइकोलॉजी। उन्होंने क्या कहा? साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। ऑल माई स्टाफ ऑल्सो लिसन टू दिस, वॉट यू हैव टू स्पीक ऑन, वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड इज इम्पॉर्टेंट। मल्टी फॉर यू, माइंडफुलनेस एंड हार्टफुलनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो टीचर ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी अ 360 डिग्री करियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब सिर्फ कंटेंट में टीचर काम करे नहीं, डिलीवरी पे भी काम करने वाला चाहिए। टीचर को इमोशंस के भी और काम करना पड़ेगा। अभी हमको जरूरत है ना कंटेंट से ज्यादा वीडियोग्राफर, हमको ऐसा आदमी चाहिए राजू हिरानी के जैसा आदमी चाहिए। शाहरुख खान राजू हिरानी के साथ काम करा ना, क्यों? ड्रामा भी चाहिए, इमोशन भी चाहिए, सब चाहिए अभी क्लासरूम में। दो काम करना चाहिए। मेरा ये ना हर टीचर को, हर टीचर के पास, वो हमारे हीना मैम पूछ रही है, सारे बच्चे अगर लेक्चर देखेंगे तो पढ़ेंगे कौन? सारे टीचर। तो मेरा ये बोलने का है कि दोनों काम करने को आना चाहिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस। फोन अलाउड है क्लास में, फोन लगा के यूट्यूब ब्लूटूथ लगा के लेक्चर भी सुनो और बच्चों को भी पढ़ाओ, दोनों काम करने को आना चाहिए। अगर टीचर के पास मल्टीपल इंटेलिजेंस नहीं है तो वो टीचर नहीं है। टीचर हैज टू हैव मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस में बाद में बात करूंगा। कोई साइकोलॉजिकल स्टूडेंट रहेगा तो उसको बहुत सारे चीज मालूम पड़ेगा इसमें। रिमेंबर मल्टीपल स्किल, एवरी टीचर शुड बी स्किल टू डू थिंग्स। सी अगर एक मैथ्स का टीचर फिजिक्स भी पढ़ा है ना, उसका सैलरी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इट शुड बी दैट दे शुड बी एबल टू डू टू थिंग्स एट अ गिवन टाइम। केमिस्ट्री बायो दोनों आना चाहिए उसको, एसएसटी एंड इंग्लिश। एंड टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक टूल है मैथमेटिक्स में, वैसे टीचर के लिए भी बहुत सारे टूल्स है। टूल्स के बारे में अलग से बात करूँ, याद दिलो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पीयर सपोर्ट। बच्चे लोग पीयर लर्निंग, अभी जो मैंने उसका आंसर आपको दिया कि बच्चा अगर टीचर क्लास में लेसन मेरा लेक्चर सुन रहा, तो टीचर का काम था कि उन्होंने प्योर लर्निंग स्टार्ट करे, बच्चों को बच्चों से पढ़ाए। मल्टीपल बोर्ड थ्योरी है तो बच्चों को लगाए पढ़ाने के लिए, और टीचर बैठ। आज के जमाने में टीचर बनना पड़ेगा, कैटलिस्ट। रिमेम्बर दिस, सेवन इंपॉर्टेंट थिंग्स है। एक, बच्चों को एजुकेट करा है, दिखा नहीं मुझे। टीचर शुड बी अ केयरिंग, पेरेंट्स का काम करे, प्रोटेक्टिव। आजकल बहुत सारे बच्चे ना रैगिंग के शिकार होते हैं, रैगिंग रैगिंग होता है, बुलिंग होता है स्कूल में, यू नो इमोशनल टॉर्चर होता है, इमोशनल टॉर्चर। फैमिली से भी टॉर्चर होता है उसको, पेरेंट्स से भी टॉर्चर होता है। टीचर प्रोटेक्ट करेगा, टीचर उसको कंफर्ट जोन देगा, याद रखो कंफर्ट जोन देने का काम टीचर का है। सपोर्ट देना पड़ेगा। बच्चा आके बोलता, सर एक बच्चा मेरे पास परसों के दिन बोला, सर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, टाइम पास किया, मेरे को हाथ से पढ़ने का है, आप मेरे को पढ़ा सकते हैं, आप मेरे को वन टू वन टीचर दे सकते हैं। तो इमीडिएटली उसको वन टू वन टीचर देना है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है पढ़ाना, बाकी सब इमोशनल सपोर्ट देना हमारा काम है। उसने कुछ भी, मैं बच्चों को बोलता ना, मेरा डायलॉग है, दारू और सिगरेट छोड़ने से सब क्लियर हो जाएगा, कंफर्ट जोन देने का मेरा डायलॉग है। रिमेंबर दिस बात, समझा? क्योंकि बच्चों लोग बहुत सारी चीज अलग अलग चीजों में फंसे, एडिक्शन में फंसे, हम उनसे कनेक्ट करेंगे तो ही अपने गेट करेंगे। हमारे से ज्यादा प्रॉब्लम है, हमारे जैसे ज्यादा अलग अलग चीजें उनके दिमाग में चलती है। पढ़ाई उनके लिए बहुत मामूली बात है। 40 दिन में किसी को मैं एनडीए का एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। अभी एसपीए का बच्चे 15 दिन के लिए मेरे पास आ रहे हैं, 5 तारीख से 20 तारीख तक पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह बच्चे पास हो जाएंगे। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, इकोइंग हो रहा है, प्लीज म्यूट एवरीबॉडी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एनी क्वेश्चंस टू आस्क? पीएफए के बारे में सुनो, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर ही दे सकते।
कौन सा नोट? मिस्टर अनवर वाहिद प्लीज एडमिन प्लीज काइंडली म्यूट एवरीवन. मिस्टर अनवर वाहिद प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Now, see, I repeat, we are trying to create context. Content नहीं है, जरूरत नहीं है बच्चे लोग, teachers. मैं दोबारा बोलता हूँ, जोर से बोलता हूँ. कभी कभी मैं बोलता ना ढोल बजने लगा, मैं बजा के बात करता हूँ. अभी भी मैनेजमेंट के भी समझ में नहीं आया, टीचर्स के भी समझ में नहीं आया. आपको कंटेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है. मार्केट में बहुत सारा कंटेंट है, आपको उस कंटेंट को डेसिमेट करने आना चाहिए. कंटेंट में मत खेलो. हमारा एक टीचर है, कंटेंट बना रही, मैं कंटेंट बना रही, मेरे को कभी कभी वो टीचर पे बहुत गुस्सा था. कंटेंट की जरूरत ही नहीं है, अभी हमारे पास कंटेक्स्ट मांगता. बच्चे को पढ़ाने के लिए मैटर बहुत है, यूट्यूब पे है, ऑनलाइन में है, ऑफलाइन में है, टीचर्स है, बहुत सारी चीज है. उसको हम कैसे पढ़ा के बच्चे के दिमाग में डालेंगे वो इम्पोर्टेंट है. बच्चा बैठने को तैयार ही नहीं है. अरे बच्चों का हाल है कि अगर 3 मिनट से ज्यादा फिल्म का ट्रेलर भी रहेगा ना तो बच्चे नहीं देखते. टॉम एंड जेरी कार्टून देखता छोटा बच्चा, टॉम एंड जेरी, अगर उसको जेरी पसंद है तो जेरी को भी 1.5 के स्पीड में देखता. हम ऐसे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं. उसको कंटेंट ही चाहिए, उसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए. उसके लिए हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है. टीचर्स को ट्रेन होना है. टीचर्स को अभी क्या बोलना चाहिए, हमारा नया नाम है करियर प्रैक्टिशनर्स, एजुकेटर्स. हाई क्वालिटी टीचर होना चाहिए, जिसका मेरा लाइन है लिखो. मैं हमेशा बोलता हूँ घंटों का काम मिनटों में करने वाले टीचर्स चाहिए. और मार्केट में बहुत उनके पैसा भी है और जॉब भी है. एनीबडी हु नीड्स अ जॉब, एनीबडी हु इज अ वेरी गुड टीचर, प्लीज कनेक्ट टू मी. करेक्ट प्रैक्टिशनर्स. या वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ. देखो ये भी प्रॉब्लम है वैष्णव, लोगों को ये भी पता नहीं है. देखो एक है प्रैक्टिस, मैं हमेशा बोलता हूँ एस के साथ, और एक है प्रैक्टिस सी के साथ. अभी जो एस है ना वो वर्ब है, ये वर्ब है और ये नाउन है. टीचर को पहले इसका मतलब समझना चाहिए कि नाउन वाला काम करना चाहिए. एडवाइस ये सी के साथ है, ये नाउन है. वही एडवाइस अगर मैं लिखने जाऊंगा तो वो एस के साथ, वो बच्चों को ये एडवाइस नहीं चाहिए. बच्चे पक गए, सुन सुन के सुन हो गए बच्चे. जो भी आ रहा मोटिवेट करा, जो भी आ रहा मोटिवेट करा, उनको क्या चाहिए? प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, कंप्यूटर स्पिरिट चाहिए. ऐसे टीचर चाहिए जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ाए. मैं अभी चाइना का स्टॉल था, चाइना का एजुकेशन सिस्टम, उनके पास 300 रुपए में, उनके पास ये 3000 रुपए में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का लाइब्रेरी उनके पास. प्लास्टिक से उन्होंने चीजें बनाई. तो ऐसा इनोवेशन चाहिए आपको. प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, थ्योरी भी होना चाहिए, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होना चाहिए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग. नेक्स्ट, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. करियर, सी फॉर करियर, सी फॉर कॉन्टेक्स्ट, याद रखो. ए फॉर एप्टीट्यूड, आर फॉर मैं बोलो ना रेगुलेट, ई फॉर एजुकेशन एंड द अदर ई फॉर एजुकेशन फॉर एवरीवन एंड दिस लास्ट ई फॉर रेगुलेट. रेगुलेट टू व्हाट यू टीच, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सक्सेस ट्यूबलाइट कब चलेगी? जब हमारा असेसमेंट अच्छा होगा. देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, इसके ऊपर अलग बात करूंगा. असेसमेंट कितने ऐसे असेसमेंट में, चार ऐसे, चार एस पे मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगा. एनीबडी यू कैन टेल मी व्हाट आर द फोर एस व्हिच आई शुड स्पीक ऑन? एनालिसिस, रीजनिंग, काउंसलिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग का स्पेलिंग देखो, गाइडेंस, अवेयरनेस, तो ही सक्सेस पहुंचेगा. हेलो, पिरामिड है. अरे अरे अरे, हेलो, हेलो हेलो, ये बताओ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे बच्चों का? बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं उनका, तो बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? बेसिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? एनीबडी, हमारा नर्सरी कैसे चलता है? हमारा नर्सरी अच्छा हो गया ना तो ही नौकरी मिलेगी. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए केजी से पीजी तक कैसे जाएंगे? केजी टू पीजी कैसे जाएंगे? हम लोग हायरिंग से रिटायरिंग तक कैसे जाएंगे? फ्रॉम हायरिंग टू रिटायरिंग. ऑफिस से बोल रहा मैम, नर्सरी से नौकरी कैसे जाएंगे, केजी से पीजी को कैसे जाएंगे, और हायरिंग से रिटायरिंग को कैसे जाएंगे? है ना, लोग है ना. हमारा एक टीचर था के आर ए, श्रीधर सर. के आर ए का मतलब मालूम है आपको? की रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज असेसमेंट.
मेरा मालूम है आपको, मैं क्या बोलता उसको केआरए को, मेरा बोलना मतलब मैं मैनेजमेंट को, मैं पूछता क्यों रखे आपको, लिखो जरा चैट बॉक्स में क्यों रखे आपको, आप बताओ आपको क्यों रखे एज ए टीचर, एज ए नॉन टीचिंग स्टाफ क्यों रखे आपको, व्हाट इज योर रोल्स, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप ऐसा क्या कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के लिए जिसकी वजह से आप जस्टिफाई करेंगे कि मेरे की रोल एसेसिबिलिटीज क्या है, असेसमेंट्स क्या है, तो उसका क्वेश्चन है क्यों क्यों रखे आपको, लिखो सब लोग चैट बॉक्स में लिखो क्यों रखे आपको, आपका है ना अंदर आपके जज्बात को क्या बोलते हो असद सर उसको उर्दू में, अंदर के दिल से पूछो कि मैंने ऐसा क्या काम करा कि मैनेजमेंट मेरे को क्यों रखे, मेरा ऐसा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, खुद खुद अपने दिल को टटोलो, मुहासबा सोचो कि मेरे को सैलरी मिलता स्कूल में से, मैं 180 दिन पढ़ाता और 360 दिन का पगार ले रहा हूं, तो मेरे को क्यों मैनेजमेंट रखे, ऐसा मेरे पास क्या है, और जब से मैंने पढ़ाई हासिल की तब से लेके अब तक मैंने अपने आप को क्या अपडेट किया, क्या अपस्किल किया मैंने, क्या अपग्रेड किया, देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रॉफिट को टीचर बना के भेजा गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुअल्लिम बना के भेजा, तो टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर देन सब लैंग्वेज में टीचर को लोग भगवान के जैसे समझते हैं, तो टीचर अपने आप को कैसे अपडेट कर रहा है, रोल मॉडल क्यों बनेगा, मेरे लिए एपीजे अब्दुल कलाम रोल मॉडल थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम क्यों रोल मॉडल है, मरने तक उसने उन्होंने पढ़ाया, शिलोंग में उनकी डेथ हो गई, शिलोंग आईआईएम में हार्ट अटैक आया उनको, और हार्ट अटैक आने के टाइम भी वो लेक्चर दे रहे थे बच्चों को, इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम को लोग रेस्पेक्ट से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों का फाउंडेशन को स्ट्रांग करें, फाउंडेशन कब स्ट्रांग होगा मालूम क्या, मेरे लैंग्वेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से स्ट्रांग होगा, स्कूल की पढ़ाई से हमारे बच्चे आगे नहीं जा सकते, हाँ अभी ये देखो ये जो टीचर कंसेप्ट है ना, एक टीचर बैठी है और बाहर बच्चे सराउंड कर रहे हैं, ये सब नया कंसेप्ट है बैठने का, क्लासरूम का कंसेप्ट चेंज करो, वही 50 बच्चे आगे बैठे हैं और ये टीचर सामने खड़े, नहीं चलेगा, चारों तरफ बोर्ड बिठाओ, मल्टीपल बोर्ड थेरीज, इस पर बात कर रहा हूं मैं, देखो अभी ये टीचर कैसे पढ़ा रहे, एक्टिविटी बेस्ड, तीन चार टीचर है, एक मदर टीचर है, उसके बाद देखो एक असिस्टेंट टीचर भी है, ये सारे कंसेप्ट को मैनेजमेंट को भी लाना है, नेक्स्ट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, हाँ सी आई एम नॉट यू, यू आर योर ओन कॉन्शियंस, कॉन्शियंस को क्या बोलते हैं, आपके जमीर, आपके जमीर को टटोला ना, मैं क्या काम कर रहा हूं, मैंने अभी टीचिंग में मैं बच्चों के साथ पढ़ रहा हूं, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लास में अगर 1000 स्टूडेंट्स आते हैं और मैं 35 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कितने लोगों को अफेक्ट किया उनके लाइफ को, 35,000 स्टूडेंट्स के लाइफ को मैंने अफेक्ट किया, तो वो अफेक्ट करने के लिए एम आई आर रोल मॉडल टू देम, वैसे अगर आप आपकी 35 साल की सर्विस है और आपके क्लास में अभी मैं दुबई में देखा एक क्लास में 15 साल से पढ़ा रहे और 10,000 बच्चे है स्कूल में, तो कितने लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं, तो टीचर कम्युनिटी किस तरह से बच्चों के लाइफ को अफेक्ट कर सकते हो समझना जरूरी है, जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में स्टेम था, स्टेम 70 साल तक हिंदुस्तान की आजादी में स्टेम था, अभी वो बोले कि स्टेम को स्टीम बनाओ, तो कितनी बड़ी गलती की हमने, स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ्स ही पढ़ाते थे, मेरा बच्चा क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा क्या करेगा, इंजीनियर बनेगा, अगर वो बच्चे ने गलती से आर्ट्स लिया ना तो लोग उसको बेवकूफ समझते हैं, आज टीचर्स यार को आर्ट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं किसी बच्चे को ये बोलूंगा अगर उसको साइंस में और डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना तो उसने बीए लेना चाहिए, क्योंकि बीए लेगा तो थर्ड ईयर बीए में वो यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर सकता, वो सीडीएस का एग्जाम दे सकता, वो एफकेट का एग्जाम दे सकता, वो इंडिया के आर्मी नेवी एयरफोर्स में बगैर मैथ्स का भी डॉक्टर बगैर मैथ्स का भी ऑफिसर बन सकता, लाइफ बन जाएगी, जो चाहिए वो पढ़ सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, स्टेम नहीं है बच्चों लोग, स्टीम है ना, प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल मैंने अभी बताया आपको, एग्जाम्पल का स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, लर्निंग एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, एक्सक्यूज मी पिक्चर दिखा के पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम पिक्चर दिखा के क्यों पढ़ाना, जो लोग एसएससी का क्लास ले रहे हैं हमारे वो आपको बताएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं उसको टैट टैट एसआरटी ये सब है ना, टैट और एसआरटी लिख के लो चैट बॉक्स में,
परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये पिक्चर कोई कई एडजेक्टिव पिक्टोरियल, पिक्टोरियल व्यू से ज्यादा बच्चों को समझ में आता। और देखो कभी भी यश यश चोपड़ा का सब पिक्चर है, पिक्चर इसकी होता है बैकग्राउंड। इसलिए स्विट्जरलैंड ने यश चोपड़ा को डॉक्टर का डिग्री दिया, वो शूटिंग पिक्चर का वही करता है, वो बैकग्राउंड का पिक्चर इसकी होना जरूरी है। वैसे क्लासरूम भी है ना, क्लासरूम में भी एस्थेटिक्स आना जरूरी है, जो मैं पहले नहीं मानता था लेकिन अभी मैं मान रहा हूँ, उससे मैं जस्ट में आया तब से मैं मान रहा हूँ एस्थेटिक्स का होना बहुत जरूरी है। Next, any questions that you have to ask? Miss Saida Ishtar, sir, एक बड़ा क्वेश्चन है अभी के, क्या अपने होस्ट इसको म्यूट नहीं कर सकते, सबको सारे पार्टिसिपेंट्स को अपने होस्ट म्यूट नहीं कर पाएंगे? क्यों बोला मेरे एजुकेशन बियॉन्ड स्कूलिंग, कोई बता सकता है व्हाई डिड आई से एजुकेशन बियॉन्ड स्कूलिंग? Kindly mute everyone. Mute कर किसको तो mute कर यार। उसको हिंदी वर्ड इज छोड़ो। Who's the admin? How to mute all? People are making noises. Am I unmute? Innovation का मतलब बताना, what is innovation? What is innovation? What is disruption? What is innovation and what is disruption? How can you tell them? Anybody who can tell me? Look down. कहाँ जा रहे हो? What is innovation and what is disruption? कोई बताएगा? Innovative education का कोई example देगा? हाँ मैम, इनुका मैम थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, बट देर विल बी डिफरेंट सेशन फॉर दैट, यू नोट डाउन द सेशंस एंड यू टेक माय नंबर, आई विल टॉक ऑन दैट लेटर ऑन। इन टू आवर सेशन आई कैन नॉट टॉक एवरीथिंग, वी आर स्टार्टिंग वर्कशॉप्स एंड यू कैन जॉइन देम वर्कशॉप्स इन दैट एंड आई विल टॉक ऑन दोस टॉपिक्स लेटर ऑन। यू कैन टेक ऑन माय नंबर, व्हाट्सएप मी, आई टेल यू एंड यू कैन टेल मी ऑन व्हाट टॉपिक्स आई शुड टॉक, इंशाल्लाह डेफिनेटली आई टॉक। And I also want your feedback on things which you have understood. आपको ऐसा पहली बार क्या सुनने मिला? Please anybody who can write कि हमने पहली बार सुना, ऐसा पहली बार सुना, पहली बार हमने ऐसा सुना है जो पॉइंट से कुछ आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। मैं पूछ रहा हूँ इनोवेशन का मतलब क्या है, या फिर मैं ये वर्ड का मतलब पूछ रहा हूँ आपको, डिसरप्शन का मतलब क्या है? देखो डिसरप्शन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको एजुकेशन को डिस्ट्रप्टिव बनाना है। अगर हम एजुकेशन को डिस्ट्रप्टिव नहीं बनाएंगे ना तो वो लो कॉस्ट एजुकेशन नहीं होगा, और एजुकेशन अगर लो कॉस्ट नहीं होगा ना तो वो रीच नहीं होगा। मैंने क्या बोला, रीचिंग द अनरीच हमारा मोटो होना चाहिए। नॉलेज सबके लिए फ्री होना चाहिए, रीचिंग द अनरीच्ड फ्री करो या फिर उसको ऐसा करो कि वो टू टायर थ्री टायर के पास भी जा सकता है। अगर नॉलेज को अपनी कीमती बनाए तो मुश्किल है। ट्यूशन टीचर को लोग रेस्पेक्ट से देखते हैं, कई लोग तो फीस देते नहीं, कोई कम फीस में भी पढ़ा लेते हैं, क्योंकि ट्यूशन टीचर का एक अलग एक अपना ब्रांड है। तो कई एडटेक कंपनी ने वो ब्रांड को डिस्टर्ब करना चाहा लेकिन वो ब्रांड ही बंद हो गया। तो ट्यूशन टीचर है या स्कूल का टीचर है तो उसको बहुत स्कूल में या फिर विलेज में बहुत रेस्पेक्ट से देखते हैं। तो वो जो रेस्पेक्ट है हमको नहीं, मैंने ही बोला कि पैसा नहीं कमाना, और वो रेस्पेक्ट हमको नहीं कमाना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनोवेशन कैसे लाएंगे आप, उसमें आपका ग्रोथ भी होना चाहिए, आपके पास नए नए आइडियाज आना चाहिए। मैंने कहा ना आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको एक्सिक्यूट कैसे करते हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम हेल्प करेंगे। We are working on math startups. कितने लोगों ने startups सुना है? Startups और mathematics में उसको बोलते हैं mathematical ventures, ये सब word लिख के लो आप, इसके ऊपर बहुत लोग काम कर रहे हैं, आपको मालूम पड़ेगा। Process important नहीं है mathematics में, तो इसलिए important नहीं है, teacher training में भी process important नहीं है। बात किस तरह से बच्चों तक जाती है वो important है, कैसे पढ़ाते वो important नहीं है। हाँ development बहुत important है, creativity बहुत important है। अगर teacher creative नहीं रहेगा तो बच्चा ध्यान ही नहीं देगा।
और टीचर के पास और एक चीज होना चाहिए, एक विजन और विजन होना चाहिए। जैसे हमारा विजन है कि लोगों को आइसोलेशन से मेनस्ट्रीम में लाना। बोलो, लिखो जरा चैट बॉक्स में, आइसोलेशन से मेनस्ट्रीम में लाना, ये हमारा विजन है एवोकेशन एजुकेशन फाउंडेशन का, एडीसीआई का, अनिश क्लासेस का, अनिश पीडिया का। और हमको टीचर को एग्जिस्टेंस से एक्सीलेंस में लाना। हर टीचर एग्जिस्ट कर रहा है, उसको लग रहा है अभी एक बार मैं टीचर बन गई, अभी मेरा जनाजा ही जाएगा, मैयत ही जाएगी, मैनेजमेंट भी खुश, टीचर भी खुश। ऐसे होने से हमारा रेस्पेक्ट बाकी नहीं रहता, हमको अपने आप को अपडेट करना है। और बियॉन्ड टीचिंग हमको और भी कुछ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको इंस्पायर करना है लोगों को, वी शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। मरना तो सबको है, लेकिन मरने से पहले अपना छाप छोड़ना इंपॉर्टेंट है। प्लीज ऑडियंस, इफ दे कैन राइट व्हाट दे हैव लर्न न्यू इन द चैट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी। कि भाई 2 घंटे से आप लोग मेरे को टाइम दे रहे हैं, तो हमने आपके मुंह से ये नए चीजें सीखे। अगर आपने एक भी चीज नया सीखा तो मेरे लिए काफी है। फीडबैक फॉर्म भी आपको भेज रहे हैं, तो यू कैन राइट ऑन दिस। कितने लोगों ने इसको सुना है, ये भी बहुत चल रहा है बच्चों लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात करो, ये कितने लोगों ने सुना है ए आर और वी आर को? एनीबडी नोज व्हाट इज ए आर एंड वी आर? व्हाट इज ए आर एंड व्हाट इज वी आर? हाँ, ये बहुत चलने वाला है। हमारे असद सर इसके ऊपर बात करेंगे, ये टेक्नोलॉजी। असद सर, अगर बगैर ए आर और वी आर के अभी एटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में सब लाना पड़ेगा, हर क्लासरूम में रहे। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, किसने सुना है क्या? आपके सामने पॉपअप होगा हार्ट। पहले हमारे टाइम पे बायोलॉजी के टीचर को हार्ट निकालने में 40 मिनट जाता था कलर चॉक से, अभी हार्ट आपके सामने आएगा। ये देखो, यूनिवर्स आपके सामने आएगा, उसको आपको माइंड मैप से बनाना पड़ेगा आपको। ये देखो, एक साइट है, लिख लो, एड पजल, एड पजल लिखो ना, ये गूगल का एक टूल है। हाँ, गूगल, गूगल का टूल्स है, बहुत सारे गूगल का टूल्स है, जैसे नियर पॉड है। ये सब नाम मालूम है आपको, पहले से मालूम है? एक और था जिसने मेरा, मैं कार में आ रहा था ना बॉम्बे, तब मेरा उसने टेड के जैसे एक लेक्चर लिया, लाइव स्ट्रीमिंग, उसको कुछ तो भी नाम है इसका, स्क्रीम नाम है उसका। उसने लिंक भेज दिया, मेरा गाड़ी में चलते चलते लेक्चर हुआ। तो आपको टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा, लेकिन टीचर को टेक्नोलॉजी मालूम होना चाहिए, नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। I am from Moomin Girls High School. Thank you. We are thankful to you for this mindful lecture, and we are sure it will really help us in enhancing teaching skills. Thank you. But I just wanted to know, very specific. आपको specific आपने new क्या सुना? ये कभी भी याद रखो, specific is terrific. मुझे सुनना है कि आपको ये पहली बार मालूम पड़ा, ऐसा पहली बार हुआ है आपके life में, आपने ये word पहली बार सुना, या ये पहली बार हमने ऐसे कुछ सुना है। Tech friendly teachers. Anything else? One is to one. हाँ, one is to one बहुत इंपॉर्टेंट है। 1:7 next. ये क्या जरा इसको हार्ट का क्या डिस्टेंस वगैरह। हाँ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का 3D है। ये आपको बोल क्या, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नगेट्स। ये माई में दिस स्टैंड फॉर क्या बोलो, वी स्टैंड फॉर वीनस, ये अर्थ। हाँ, ये मरकुरी है, ये वीनस है, अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, सैटर्न है, ये यूरेनस और नेपट्यून है। तो को एक्रोनिम बनाया मैंने, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस, जस्ट सर्व्ड अस नगेट्स। ये कोई टाइप करो तो अच्छा रहेगा, ऐसा माइंड मैप बना के बढ़ाओ, क्विज से बढ़ाओ, एड पजल लिखो, एड पजल भी एक टूल है, क्विज से पढ़ाओ बच्चों को। एक आदमी का नाम देता मैं, द हिंदू न्यूज़पेपर में आता है, द हिंदू न्यूज़पेपर में हर संडे को आता है, उसका नाम है बर्टी एशली, बर्टी एशली। ये आपको पैराग्राफ देता है और पैराग्राफ पे से आपको आंसर ढूंढना पड़ता है, इसका क्विज होता है रोजाना, हर संडे को 10 क्वेश्चन, इसको गूगल करो, बहुत रिलेवेंट होता है, बहुत रिलेवेंट होता है, लिखो उसका नाम लिखो।
नेक्स्ट BERTY है बर्टी बर्टी एशली गूगल फॉर एजुकेशन प्रोग्राम है मैं अभी बताया लेकिन और एक बार बताया ना ये इसके ऊपर काम करना पड़ेगा इसके वर्कशॉप भी हम रखेंगे अच्छे ट्रेनर्स को भी बुलाएंगे बेसिक वाला जो है ना जो एजुकेशन फाउंडेशन से जाता है या फिर ADCA से जाता है वो तो फ्री है लेकिन अनस्पीड से जो इनसाइट जाएगा इट विल बी चार्जेबल ये एडवांस ट्रेनिंग होगा एंड वी विल बी चार्जिंग क्योंकि सब फ्री में नहीं दे सकते 99 rupees फॉर 40 minutes लेक्चर इट विल बी चार्जेबल सो इफ somebody is interested please register for it तो वी विल मेक यू गूगल सर्टिफाइड ट्रेनर कोच इनोवेटर गूगल का इनोवेटर भी बनाएंगे ट्रेनर भी बनाएंगे और गूगल सर्टिफिकेशन है ना ऑटोमेटिकली आपका भाव बढ़ेगा वो तीनों लेवल का हम ट्रेन करेंगे जो हमारा फेवरेट डायलॉग है अमर अकबर एंथनी तो एक एक लेवल को आपको क्लियर करा के लेके जाएंगे प्लीज बी इन टच विद अस नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट का भी होता है चलो माइक्रोसॉफ्ट का भी होता है लेकिन गूगल में ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो पढ़ना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ डाउनलोड किया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है सर्टिफिकेट आजकल कोई नहीं पूछता याद रखो तुम्हारा स्किल को पूछेगा मार्केट में बहुत लोग जो सर्टिफिकेट देगा आपको लेकिन आपको आता कि नहीं आता दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आपने सीखा कि नहीं सीखा दैट इज इम्पोर्टेंट और मैं जो गिरीश केलकर सर से जो बात कर रहा था हमारे यहाँ भी इंटर्न्स की हमको बहुत जरूरत है वेदर इट इज इन दुबई वेदर इट इज इन जोधपुर वेदर इट इज इन वी हैव आवर इन दुबई वी आर वर्किंग विद जोधपुर यूनिवर्सिटी मौलाना आजाद वी आर वर्किंग विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट वी आर वर्किंग विद तेलंगाना गवर्नमेंट And we are also working with a lot of private players. Our concept is school, tumhari, padhai, hamari. So we need school, tumhari, padhai, hamari. We need a lot of interns. Interns ko hum log padhayenge, unka goal kya hai? Personality development ke free lectures denge. Jisko hum SSB bolte hai. SSB hamare yahan chargeable nahi hai. Hamara pura team baitha hai. Hum uska video bhi aapko bhejte hai. Skill development karayenge, aapka skill. Main khud aapka mentor hunga. अगर मेरे पास कोई मैथ्स पढ़ेगा तो एटलीस्ट वो ऑनलाइन तो लड़का या लड़की पढ़ा सकती है प्रीतम कुमारी है क्या लेक्चर में अगर जो टीचर आज लेक्चर में नहीं है ये लेक्चर में तो उसका सैलरी कट है मेंटल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटीज इंपॉर्टेंट है मैं पहले आपको तीन चीज बताया ना मोबिलिटी अपॉर्चुनिटी और सस्टेनेबिलिटी इसको सॉम बोले सॉम अमर अकबर एंथनी ये तीनों वर्ड्स टाइप करो मोबिलिटी अपॉर्चुनिटी और सस्टेनेबिलिटी पूरा जेस जो बात कर रहा था ना वो सस्टेनेबिलिटी पे बात कर रहा था सस्टेनेबिलिटी तब आएगा जब मोबिलिटी और अपॉर्चुनिटी है रियल वर्ल्ड पे बात करो रियल वर्ल्ड बच्चों के प्रॉब्लम को समझना है और मैं हमेशा लिखता बी प्रैग्मेटिक ये वर्ड लिखो प्रैग्मेटिक का मीनिंग देखो क्या होता है प्रैक्टिकल रहो थियोरेटिकल से कुछ फायदा नहीं है आपका डिजिटल स्किल्स को ना अपग्रेड करो सुपर कंडक्टर बनना है टीचर को फॉरबिडन एनर्जी गैप को खत्म करना है याद रखो फॉरबिडन एनर्जी गैप खत्म करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड कितने लोगों को मालूम है इंपॉर्टेंट वर्ड है क्यूरेट ये लिखो दो वर्ड मैंने ये बार पढ़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूरेट ये लिखो है इसका मालती राइट द वर्ड और एक वर्ड बताया मैंने इनेट अंदर की भावना है हमारे इंसान है ना अगर अच्छा है तो फिर वो गुरु भी बन सकता बुरा हो गया तो जानवर भी हो सकता उसका उसका इनेट प्रॉब्लम रहता है क्यूरेट मालूम है आपको क्रिकेट का पिच क्यूरेट करने के लिए अभी कोई तो भी मैच हुआ श्रीलंका में और कोई मैन ऑफ द मैच था ना उसने अपना पूरा प्राइस बनी वो पिच बनाने वाले आदमी को दिया कौन बताएंगे अरे किसी को मालूम जनरल नॉलेज में क्या बोल रहा इंडिया का बंदा था वो उसको शायद मेरे को लगता शमी था या सिराज था वो उसका जो मैच मैन ऑफ द मैच बना ना उसने अपना पूरा पैसा वो पिच जिसने क्यूरेट किया उसको दिया क्योंकि फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा पिच होना बहुत जरूरी है तो वो ही काम का था पिच जिसने बनाया ना उसने अपना पूरा का पूरा पैसा उस बंदे को दिया श्रीलंका का बंदा था मैच श्रीलंका में था इंडियन बैट्समैन का बॉलर था जिसने पूरा पैसा दे दिया तो बच्चों के लिए भी हमको पिच बनाना जरूरी है पिच बनाना बहुत जरूरी है पिच ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप्स में भी ये वर्ड यूज होता है पिच एलिवेटर पिच एक 5 सेकंड में भी बोलने को आना चाहिए 1 मिनट में भी बोलने आना चाहिए 30 सेकंड में भी बोलने आना चाहिए जैसे हम टिकटॉक का जो वीडियो वैसा
हाँ इंडिया में टिकटॉक नहीं, इधर है टिकटॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटर्न्स को नॉर्मली इंटर्न्स को पे नहीं करते, हम लोग पे करेंगे, रिमेंबर दिस, विल पे द इंटर्न्स, विल सर्टिफाई द इंटर्न्स एंड विल ट्रेन देम, विल गिव देम दैट नॉलेज विच दे हैव नॉट गॉट एंड दे कैन कंटिन्यू स्टडीज, इट कैन बी पार्ट टाइम, इट कैन बी ऑनलाइन ऑफलाइन, एवरीथिंग। किसने दिया था, किसने लिखा? नहीं नहीं मेरे को नाम बताओ, और वो जिसको दिया उसका नाम बताओ, उसका भी फोटो था, श्रीलंका का पिच बनाने वाला आदमी था, उसको दिया, इंडिया ने जाके श्रीलंका में श्रीलंका को आ रहा है, तो पिच अच्छा था, तो क्यूरेट करना बहुत जरूरी है, करिकुलम इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, क्यूरेट करना इम्पोर्टेंट है, करिकुलम बहुत है, अब यहाँ का ब्रिटिश करिकुलम देखा मैंने, बहुत ज्यादा है उसमें, तो करिकुलम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नॉलेज हम बेस्ट ऑफ कर सकते हैं बच्चों। ये अनिश्रिया अनप्लग्ड है, मैंने पाई के बारे में बताया था, दोबारा बताता हूँ, ये बहुत अच्छा एक नोटेशन है, पाई का मतलब है 22/7, और जब तुम 22/7 लिखते तो रैशनल रहता, उसी पाई को तुमने अगर 3.14 लिखा और वो नॉन रिकरिंग डेसिमल है, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये वर्ड लिखो फराना मैम, ये आपके स्लाइड में लिखो, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा। तो एक पाई रैशनल है और पाई अगर 3.14 लिखा तो इरैशनल होता है, ऐसा क्यों होता है ये टीचर्स को समझना जरूरी है, बहुत डीप बात कर रहा हूँ टीचर्स, अगर आप समझ में आए तो अनिस्पिया अनप्लग्ड विल बी चार्जेबल, 99 रुपीज का 40 मिनट्स का लेक्चर होगा, यू हैव टू पे टू रजिस्टर एंड एवरी डे इट विल बी, द टाइमिंग विल बी फ्रॉम 4 to 4:40 इंडिया टाइमिंग 4 to 4:40 या फिर 9:40 to 10:20 in the night, but it will be there every day from Monday, so see that you register for the lectures. ये teacher का मैंने आपको तीन word बताया ना, एक word है continuum, इसका meaning लिखो continuum, और एक word मैंने बताया जो मैंने दुबई expo से लिया था concierge, और यहाँ के दुबई के जितने भी बड़े बड़े होटल में ना अब reception में जाएंगे ना, जैसे अब यहाँ मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ जेस लिखा है, तो होटल रिसेप्शन के यहाँ लिखा रहता concierge, असद सर को मालूम है हम लोग जिस होटल में ठहरे थे वहां लिखा था concierge, तो टीचर को कॉन्सियस बनना है, कॉन्टिनम बनना है, और एक वर्ड मैंने यूज किया था कॉनंड्रम, हाँ कॉन्ग्लोमरेट, ये सब वर्ड्स याद करो, उसके पीछे बहुत मीनिंग है। मोहम्मद सिराज ने दिया था, श्रीलंकन फील्ड स्टाफ का नाम भी मांगता, नाम क्या था, ठीक है एक मिनट इसको जरा बात कर रहे हैं, मेंटर पे बात कर रहे हैं इसको, ये लेक्चरर बनना है, इसको बढ़ा सकते हो फॉन्ट, टीचर लेक्चरर में ये नीचे क्या लिखा मैं, ये चाहिए टीचर, हाँ जो टीचर बैठ के पढ़ाता है ना वो टीचर का पगार कट करना चाहिए, अगर टीचर बैठ के पढ़ाएगा ना सैलरी भी आधा देना चाहिए, हाँ टीचर को लेक्चरर भी बनना पड़ेगा, इंस्ट्रक्टर भी बनना पड़ेगा, फैसिलिटेटर भी बनना पड़ेगा, कोच भी बनना पड़ेगा और मेंटर भी बनना पड़ेगा, याद रखो, what does M stand for? Mindset. What does E stand for? Education. What does this N stand for? मैं वापिस पूछ रहा, तुमने किसी ने मेरे को बताया नहीं, ये लिख के लो, नापी, इसका मीनिंग देख वैष्णवी, what do you mean by नापी, मैं जो नापी बोल रहा ना बच्चे नापी चेंज करते हैं उसका स्पेलिंग अलग है और ये नापी का स्पेलिंग अलग है, उसका मीनिंग मेरे को अभी तक किसी ने बताया, गूगल कर, NAPPE, ये कल मैं कोनिक्स पढ़ा रहा था, उसका एक वीडियो मैं वायरल करूंगा, कल यहाँ दुबई के बच्चों को मैं कोनिक्स पढ़ाता था, उस कोनिक्स के चैप्टर में मैथमेटिक्स का वर्ड है वो नापे, तो व्हाट इज ए नापी, दैट इज इंपॉर्टेंट, टीच, याद रखो सबसे पिता मार काम है पढ़ाना, और टीचर सब काम करता लेकिन पढ़ाता नहीं, याद रखो, और वो रिमेम्बर ये अपॉर्चुनिटी भी है, और ओरेटर स्किल्स, एक टीचर का ओरेटर स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, और आर जो है ना आर, ये टीचर को ही रेस्पेक्ट आएगा वर्ल्ड में, ऐसे तो सब लोग कमाएंगे लेकिन रेस्पेक्ट जो है ना वो सिर्फ टीचर को आएगा, एक मेरा कोलैबोरेटर है वो बोलता है अनिश सर पढ़ाएंगे तो तुम बच्चे पास भी होंगे, पैर पढ़ने तो तुम्हारे पास ही आएंगे, तो ये नैपे का मतलब है मालूम होना चाहिए क्या, सिर्फ सिंपल में
मेरे को यही बात करना, अड़तला में जो ना इसी पर बात करो। हाँ ये बुक खरीदो बच्चों लोग, जिनको व्हाट डज एन आउटस्टैंडिंग टीचर डू, ये बुक खरीदो, जबरदस्त बुक है, अमेज़न पे मिलेगा, ई बुक भी अवेलेबल है। इन लोग मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहे, लेकिन ये बहुत अच्छा बुक है, विजिबल लर्निंग एविडेंस बेस्ड अप्रोच, एविडेंस बेस्ड अप्रोच, ये भी है, जबरदस्त बुक है। ये डिफरेंशिएटेड लर्निंग मतलब क्या, कैसा टेलर मेड लेक्चर बनाना चाहिए। 40 मिनट को मैं एक बच्चे को, हमको कल उसका एग्जाम है, वो आज बोलता मेरे को पढ़ना है, तो 40 मिनट में हम उसको कैसे पढ़ाएंगे। वो संजय दत्त का पिक्चर है मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो बोलता ना कि फॉर्म भरना जरूरी है क्या, वैसा है बच्चों का हाल क्या आजकल। तुम बोलेंगे बेसिक पढ़ाएंगे, जो हमारा कैफ सर फंक्शन पढ़ाएंगे, एक चैप्टर है सेट रिलेशन फंक्शन, अभी वो फंक्शन पढ़ने के लिए एक महीना लगेगा, अभी वो एक महीना अगर फंक्शन पढ़ाते बैठेंगे तो बाकी सब गैट कब पढ़ेगा। हमको बच्चों को फंक्शन उतना ही पढ़ाना है जितना एनडीए के लिए, तो टेलर मेड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलर मेड जर्मनी का कंसेप्ट है, उतना ही पढ़ाओ जितना बच्चों की जरूरत है। अतिया आलम, कैन वी गिव दिस पीपीटी, इट इज लाइव ऑन यूट्यूब, वी कैन नॉट, बट वी कैन शेयर सम पार्ट ऑफ इट। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारा बहुत टाइम गया, एनर्जी गया, इसलिए हम लोग नहीं दे सकते अत्या, लेकिन हम लोग आपको कुछ पॉइंट्स जैसे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, इसको कट कट करके डालने वाले एक एक चीज। आपको कभी आपने ये प्रोग्राम सुना था क्या, पियाजेटियन प्रोग्राम, आपने कभी ये वर्ड सुना था क्या, कॉग्निटिव स्किल्स। ये देखो ये सब मैंने ये बहुत पहले से सुनते आ रहा है, ये सब मालूम होना चाहिए, व्हाट इज कॉग्निटिव स्किल्स, जबरदस्त चीज है टीचर्स, ये पियाजेट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वर्ड आपको लर्न करना है, एफिकेसी। मैंने कई बार सुना कल 3 दिन में, जैसे रोज आप चाय पीते रहे तो मैंने ये वर्ड चाय पीते पीते सुना है। मैं एक टाइम पे 2 लेक्चर सुन रहा था बीच में बैठ के, तो ये दोनों वाले एफिकेसी पर बात करते। कितने लोग एफिकेसी का मीनिंग मालूम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिकेसी। Anyone? What do you mean by efficacy? हाँ बहुत अच्छा वर्ड है efficacy, इसका मीनिंग मीनिंग भी लिखो, वरना मैं मीनिंग भी लिखो उसका तो अच्छा रहेगा। हाँ और 2 वर्ड सुना मैं बहुत बार, वो वर्ड इनका बहुत फेमस है, empathy, ये तो सब लोग बात करते हैं, sympathy और empathy में डिफरेंस। लेकिन अभी नया वर्ड efficacy को देखो, टीचर ट्रेनर होना चाहिए, टीचर एजुकेटर होना चाहिए, टीचर एडवाइस करना चाहिए, वो एडवाइस के लिए एक वर्ड, और एक वर्ड लिखो, देखो मैं लिखता कहाँ लिखो, क्लियर कर लेता। नहीं, एक और टॉपिक में बात करूंगा, अमर अकबर है, ये लिखो, ये सब टॉपिक्स के नाम भी लिखो फरहाना मैम। एक मैंने क्या बोला आपको, एम्पति, ये बहुत पुराना हो गया लेकिन फिर भी लोग इस पर बात करते। दूसरा मैंने क्या बोला, एफिकसी, इस पर बात कर रहे हैं। और तीसरा मैं क्या बोला, एग्जॉटेशंस, इस पर भी बात कर रहे हैं। हाँ टीचर को केयर टेकर भी बनना चाहिए, टीचर को हेल्पिंग होना चाहिए, और एक वर्ड याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टीचर हैंड होल्डिंग, टीचर शुड बी हैंड होल्डिंग, हैंड होल्डिंग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट टीचर के लिए। एनलाइटनिंग, हाँ वो तो मैंने हमेशा बोला, एजुकेशन काय के लिए होना चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए, एजुकेशन शुड बी फॉर एनलाइटनमेंट। सदफ मैम है क्या, एजुकेशन शुड बी फॉर एनलाइटनमेंट, एजुकेशन शुड बी फॉर एथिक्स, ये यूपीएससी का 4th चैप्टर है एथिक्स, 96% Quran is about ethics, enlightenment, and next is entrepreneurship. ये भी बहुत important है। And हाँ, कैसा reform बनेगा? Reform मतलब क्या बोल गया? वो reform मतलब वो renaissance लाएगा teacher, याद रखो, ये याद रखो। हमको education में renaissance लाने का है, हमको education में revolution लाने का है, हमको education में rejuvenation लाने का है। रिज्यूनेशन समझे ना, मरे ला मुर्दे को गाड़ के उठा देना बाहर निकाल देना, उसको रिज्यूनेशन बोलते हैं।
तो वो ये तीन टॉपिक पे भी बात करूंगा, ये भी लिख के लो, समबडी इज राइटिंग फ्रॉम अनीस क्लासेस, अमर अकबर एंथनी, रिजुनेशन, रिनाइसेंस एंड रेवोल्यूशन। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, वैसे हम लोग एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाना चाहिए। हाँ सदर मैम लिखो, सब इंपॉर्टेंट है। एनी क्वेश्चन टू वे आस्क्ड चैट बॉक्स में, पब्लिक कुछ क्वेश्चन पूछो, कुछ पूछने को तैयार नहीं, कोलैबोरेशन मॉडल मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, कोल्ड वाटर नॉट हॉट, हॉट वाटर नहीं चाहिए, प्यास ही नहीं बुझती क्या फायदा। ये भी उन्होंने एक जगह बात किया था, उनका उनके हिसाब से जो थ्री आर्स थे ना, तो वो ये था, रीजन, रिलेट और रेगुलेट। रीजन, रिलेट एंड रेगुलेट। हाँ ये देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनिपुलेशन। टीचर को है ना, जो जिस वर्ड के बारे में मैं बोलता ना, वो आना चाहिए, जुगाड़। अगर टीचर को जुगाड़ नहीं आना तो टीचर कुछ काम का नहीं है, फालतू टीचर है, एक नंबर फालतू टीचर। अगर टीचर को जुगाड़ नहीं आता, जो टीचर को जुगाड़ नहीं आता ना, वो टीचर कुछ नहीं कर सकता। और ये जुगाड़ को हम लोग इंग्लिश में, अच्छे इंग्लिश में इनोवेटिव बोलते हैं और डिस्ट्रप्टिव बोलते हैं। इनोवेटिव और डिस्ट्रप्टिव का बम्बैया लैंग्वेज है क्या, जुगाड़। और टीचर में ना जुगाड़ करने के लिए जिगरा भी चाहिए, जिगरा। ये भी वर्ड लिखो, उर्दू वर्ड है जिगरा। तो ये वो टीचर जबरदस्त बन सकता, अमर अकबर एंथनी। तो आपको अगर जबरदस्त टीचर बनना चाहिए ना, तो आपको तीनों चीजें, जुगाड़, जिगरा और जबरदस्त। हाँ टीचर को है ना, आवाज, हम लोग टीचर बोलते हैं ना, आवाज करके बच्चों का अटेंशन मोबाइल से निकाल के तुम्हारे पास आना चाहिए, तो टीचर कुछ काम का। सस्टेनेबिलिटी, लोग तुमको देखना चाहिए। और टीचर का आईक्यू अच्छा होना चाहिए, हायर करने के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी सीखा, हायरिंग इज इंपॉर्टेंट, तो वो रिटायरिंग तक अपने साथ रह सकता। तो इसके लिए ना आईक्यू अगर अच्छा नहीं है तो हमने उनको हायर ही नहीं करना चाहिए। आईक्यू अच्छा होना चाहिए, आईक्यू के साथ हम उसका एक्यू भी देखे और उसका ईक्यू भी देखे और एसक्यू भी देखे, सोशल बिहेवियर भी देखे हायरिंग से पहले, उसके लिए हम लोग रेफरेंस मांगते ना। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज तुमको सीखा कि सोशल क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन शुड बी ग्रेटर देन आईक्यू। साइकोलॉजी में तो मैंने बात पहले ही बात किया। हाँ अगर बच्चों, अगर आईक्यू है अच्छा है लेकिन नहीं आता तो हम सिखा सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ नहीं बन सकता तो टीचर बनता ना, तो मैंने देखा नहीं सिखा सकते। तो टीचर का अच्छा, टीचर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये याद रखो, टीचर के हायरिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नॉन टीचिंग में हो सकता। अतिया नेक्स्ट, अतिया नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन फास्ट, वन मोर स्लाइड टू गो, फिर गर्म पानी दे। कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछो, रीजन, रिलेट और रेगुलेट पे। वो बंदी ने 20 मिनट बात किया था, उसको मैंने लिंक्डइन पे फॉलो किया है, बहुत जबरदस्त है ये, बहुत जबरदस्त है। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप गूगल करो, बहुत जबरदस्त चीज है। इसको बोलते हैं टीपैक टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी अनीस क्लास में है, अमर अकबर एंथनी है, जो हम लोग मल्टीपल बोर्ड यूज करते हैं ना, इस पर बात कर रही थी, वो मल्टीपल ब्लैक बोर्ड मेथड अभी ऑलरेडी हम लोग यूज करते हैं, फिफ्थ क्लासरूम वो भी हम लोग ऑलरेडी यूज करते हैं, एडाप्टिव लर्निंग सिस्टम, अलग अलग बच्चों, एक बच्चे को अलग अलग टीचर पढ़ाना, उसका नाम है एडाप्टिव लर्निंग सिस्टम। एक ही स्टूडेंट है लेकिन एक ही स्टूडेंट पे, मैं बताया ना, तीन R1, R2 और R3, तीन लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया तुमको, इनको तीनों को पैरल में काम करना चाहिए। जब ये लोग पैरल में काम करेंगे ना, तो बच्चे के पास ज्यादा नॉलेज जाएगा कम टाइम में, घंटों का काम मिनटों में। और मैं द ओनली क्लास इन इंडिया जो मैं मोबाइल अलाउ करता हूँ बच्चों को, मैं बच्चों को हमेशा मोबाइल का अलाउ करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ गूगल करना पाप नहीं, गलत चीजें गूगल करना पाप है। देखो इसमें जो तीन अमर अकबर एंथोनी है ना, ये इसका भी इसमें पैम्पलेट बनाओ, एक है टीके, एक है टीके, दूसरा है सीके और तीसरा है पीके। पीके मतलब आमिर खान नहीं है, एक टीके जिसको मैं अमर बोलता ना, वो है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो इंपॉर्टेंट है आज के टीचर के बाद, और सीके का मतलब क्या, कंटेंट नॉलेज जो भी अवेलेबल है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, पेडागॉजिकल नॉलेज
ये तीनों का कॉम्बिनेशन को टिक पैक बोलते हैं, याद रखो। वो लोग उसको क्या बोलते हैं, पीसी के क्या बोलते हैं लोग उसको, पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज। ये अभी ये ट्रेंड है, ये ऐसी चीज बता रहा मैं जो गूगल में पहले भी नहीं बताया, ये जैसमें से सीखा मैंने। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। तो टीचर को उसका तीनों का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, जिसको मैं अमर अकबर एंथनी बोलता हूं। तीन दिन का जस है ना, तीन दिन का जस, ये तीन साल पढ़ने के उतना है, याद रखो। और मैं डायडक में भी बता लोगों को बता कि तीन दिन का डायडक जो है ना, मैंने मिस के एक ही दिन गया, वो भी है ना 30 दिन पढ़ने जैसा। तीन दिन का डायडक 30 दिन पढ़ने जैसा है, और तीन दिन का जस 3 साल पढ़ने के उतना है। और अभी भी मैं आपको लोगों को क्या बोल रहा हूँ, मेरे टीचर्स को बोल रहा हूँ मैं, फराना मैम, सारे टीचर्स को बोलो दुबई प्रोजेक्ट पे जो जस का लिंक है ना, 5 डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बात हुआ, उनको पढ़ने को बोलो, इतना नॉलेज मिलेगा कि पूछो मत। बुक भी शेयर किया मैंने, जो कि उन्होंने कौन से बुक से क्या डापा। नेक्स्ट देखो, थीमेटिक लर्निंग आ रहा क्या नहीं आ रहा, शुभम करे क्या, टैट की बात करे लोग, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, ये ये क्या है, ये लर्निंग छोटा होम क्लासरूम लैब। ये ट्रांसेंडिंग अवेलिंग मालूम क्या, ये और एक वर्ड है ट्रांसेंडिंग के साथ, अमर अकबरांति बनाओ, एक एक वर्ड है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन पढ़ा है मैंने, हाँ उस पर से मेरे को ये याद है, ट्रांसड्यूसर। ये कब, बहुत कम लोगों को मालूम है व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर। टीचर को ट्रांसड्यूसर बनना है, टीचर हैज टू बी अ ट्रांसड्यूसर, रिकॉर्ड कर इसको। एनीबॉडी यू कैन टेल मी व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर, टीचर हैज टू बी अ ट्रांसड्यूसर, उसका मीनिंग देखो क्या है, तो ही वो ट्रांसेंडिंग बनेगा, तो ही उसको टीम बैक आएगा, याद रख। ये हमारा अकबर एंथनी है, ट्रांसड्यूसर बनना है, ट्रांसेंडिंग बनना है, कब बन सकता है टीचर, जब वो टीप पैक को वापरेगा। और इस पर भी बात करना है, पीबीएल प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, एसबीएल सॉल्यूशन बेस्ड लर्निंग, और सीबीएल चैलेंज बेस्ड लर्निंग, इस पर भी पीपीटी बनाना है हमारा अकबर एंथनी। कोई भी लिख लो, लिखो ये सब, ये बाद में सब याद नहीं रहता, यहां से निकल गया तो खत्म। अभी 3 दिन में जाके आया तो उल्टी कर रहा हूं। फैंटास्टिक, कॉर्पोरेट्स आल्सो लर्निंग टेक्निक्स में एंड्रोगॉगी एंड पेडागॉगी यूज करते हैं। हाँ, ट्रांसड्यूसर समझा क्या, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता, तो एनर्जी तो है, हम तो पहले से एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, टीचर में एनर्जी नहीं है, टीचर डांस नहीं करता, मुश्किल है। एक मुगट सर है जो मेरा टीचर है, मुगट जो है ना मेरा मैथ्स का द्रोणाचार्य है, मैं उसके पास जाके नहीं पढ़ा, लेकिन उसको उसके नोट से पढ़ता था मैं। अनिश कुट्टी का मैथ्स किसने पढ़ाया, तो ऐसे मुगट, मेरा कोई टीचर है मैथ्स का तो मुगट है, पारसी बाबा था, गाली देता था करके गर्ल्स बैठते नहीं थे, इसको गूगल करो मुगट, ये अनिश कुट्टी का टीचर है, ये डांस करके मैथ्स पढ़ाता था मैं और एक म्यूजिक ट्री करके मेरे पास है, मेरे को याद दिला आने के बाद, वो लोग म्यूजिक ट्री से मैथ्स पढ़ाते हैं, ये भी जस्ट में मिला मेरे को, म्यूजिक से मैथ्स पढ़ाते, म्यूजिक और मैथ्स को इंटररिलेट करते। तो ये सब होलिस्टिक डेवलपमेंट है, हैंड होल्डिंग है, आपको क्रिएटिव फ्रीडम होना चाहिए, रिगर 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 बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखो, रिगरस। सोशल स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छा होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रॉस कल्चर अवेयरनेस। दुबई में आएंगे ना आपको तो क्रॉस कल्चर है, बच्चा गोरा भी आएगा काला भी आएगा, एक लड़की उसको फॉलो करो, क्या नाम है, डॉक्टर डॉक्टर आमीना यूसुफ ना, इसको फॉलो करो, जबरदस्त लड़की, अच्छी बात किया ना, इसको कोई चैलेंज नहीं किया, इतना जबरदस्त है डॉक्टर आमीना यूसुफ, देखिएगा तो ऐसा नाटी है, इतना ऐसा मानेगा अपने हीना के देखेगी छोटी सी, लेकिन इतना पूरा धूम मचा के गई, बोलते ना ऑल ग्रेट थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेट्स, इसको गूगल करो डॉक्टर आमीना यूसुफ। फिजिकल मोटर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस इंपॉर्टेंट है, मैं बोला ना बच्चा सिर्फ 40% ही अपना दिमाग का इस्तेमाल करता, फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है, इसको इसके इसको पढ़ाएगा तू, इससे इससे बात करना अशरफ मोहम्मदी, यहाँ क्लासेस लेगा, मेरे बॉम्बे आने टाइम बात हुई। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी नहीं तो मुश्किल है। तो मैंने एक आदमी को मिला, मैं बोला द प्रेम रावत फाउंडेशन, एजुकेशन से मॉरल वैल्यूज पढ़ा था, हमारे यहाँ करेंगे हम उसको, 4 तारीख को जाना है उसके।
Anything else? Any questions? खत्म हो गया टाइम, 10 मिनट और बात कर लो। हाँ ठीक है, लास्ट स्लाइड है बच्चे लोग, जो तुम्हारे लिए बहुत चैलेंजिंग है और तुम्हारी वाट लगाने वाला है। मालूम कौन? यूट्यूब पे लगे? अपना ही लिंक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो ये वाट लगाएंगे तुम्हारी वाट। मैं मुन्ना भाई का लैंग्वेज वापर रहा है, क्या है, कौन है ये? AI। AI 5 साल में क्लासेस को बंद कर देगा, 5 साल को 7 साल तक कोडिंग में ना AI खुद करेगा। और एक चीज जो बहुत चलेगा ना अभी 5 साल में, वो है प्रॉम्प्ट। क्या चलने वाला है? प्रॉम्प्ट। लिख के लो प्रॉम्प्ट। कितने लोगों को प्रॉम्प्ट मालूम है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टीचर्स की वाट लगाएगा, देखो ये टीचर खुद बनेगा। अभी मैंने देखा ना, इधर सबके घर में मौसी है, मालूम तुम्हारे को? यहाँ सबके घर में मौसी है, मौसी का काम ही बंद होगा। मैं भी एक मौसी लेके आ रहा, यहाँ पे एक रोबोट है जो घर का साफ सफाई करता। तो अभी बच्चे लोग क्या करेगा, माँ बाप बोलेंगे टीचर ही लेके आएंगे, एक रोबोटिक टीचर लेके आएगा। तो क्या आएगा, वो टीचर के पास उसको ऑन करेगा तो टिंग 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 पूरा गूगल बात करेगा, लेकिन फिर वो टीचर के पास इमोशंस नहीं रहेगा। कितने और रजनीकांत का पिक्चर देखा ना, जिसमें रजनीकांत और ऐश्वर्या राय पिक्चर का नाम क्या, रोबोट, वैसा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो रोबोट के पास सब नॉलेज रहेगा, वो तुम्हारे से भारी टीचर रहेगा, लेकिन उसमें इमोशनल नहीं रहेगा। वो रोबोट के पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रहेगा। वो रोबोट जो है बॉन्डिंग नहीं बना सकता, बॉन्डिंग रिलेशनशिप नहीं बना सकता, लेकिन वो तुमको चैलेंज करेगा। यहां सब आ गया, 5 साल में यहां सब आ जाएगा। इंडिया में 7 साल लगेंगे, लेकिन आएगा। ये बात याद रखो, ये आपको इनसे अभी से आपको बचना है। टीचर हैज आस्क्ड व्हाट इज दैट प्रॉम्प्ट, मतलब क्या? हाँ, अरे गलत है वो मैनेजमेंट को मैं गाली देता हूँ। मैं पहले ही बताया आपको 1:1 पढ़ाना है, 1:7 पढ़ाना है या 1:19 पढ़ाना है। जिस क्लास में 40 से ज्यादा बच्चे है वो उस क्लास में उस बच्चे के साथ जुल्म करते हैं, और आप दो डिवाइड करो क्लास को। और अगर ऐसा नहीं करते तो आपको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। आप बच्चों के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, भगवान को जवाब देना पड़ेगा। अमानत है टीचर, रिमेंबर दिस। यू कैन नॉट हैंडल 70 किड्स एट अ टाइम, एवरीबॉडी कैन नॉट बी अनीस कुट्टी। हाँ, दो डिवाइड द क्लास रूम इनटू टू। नेक्स्ट, हायर मोर टीचर्स, ट्रेन द टीचर्स, हैव द कंसेप्ट ऑफ मदर टीचर एंड टू असिस्टेंट टीचर्स। थोड़ा हमारा मार्केटिंग है, हमारे 53 बच्चे पास है, और हमारे पास ये आदित्य भी पास हुआ दुबई से, एक लड़का तंजानिया से भी पास हुआ। ये वो फोटो आदित्य को जब मैं पहली बार मिला, जब वो एडमिशन लिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए पास किए। ये सारे हमारे टीचर्स है, वैष्णव है, यहाँ पे शुभंकर है, ओमकार अभी सेलेक्ट हुआ है, ज्वाइन कर रहा है। तो सारे ये हमारे पास एनडीए भी पास हुआ था, सीडीएस भी पास हुआ, कार्तिक भी हमारा स्टूडेंट है, अमन जूनियर हमारा हैदराबाद संभाल रहा है, ये UPSC पढ़ रहा है अभी, बहुत सारे एग्जाम्स उसने क्लियर किए। तो ये प्रजापति है, अच्छा बायोलॉजी ज्योग्राफी का टीचर है, तो ऐसे टीचर्स को हायर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, थैंक यू ऑल, एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क, आई हैव गॉट 5 मोर मिनट्स, आई कैन रिप्लाई। दिस इज ऑल्सो तोलानी, विच इज अ मैरिटाइम इंस्टीट्यूट विच यू शुड नो, इफ यू कैनॉट बिकम डॉक्टर, इंजीनियर और आर्मी ऑफिसर, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन तोलानी, जो अच्छा है। बिच पिलानी भी है यहाँ पे दुबई में, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। हम लोग इंडिया में भी बच्चों को चेस खेलने चालू किया है, अंकिता करके स्पोर्ट्स टीचर है, लेडी स्पोर्ट्स टीचर है। यहाँ पे दुबई में IGCSE, GCSE और CBSE के बच्चों को पढ़ाते हैं, IB बोर्ड से भी टीचर्स है, NIS का भी पढ़ाते हैं। तो प्लीज ज्वाइन अस, ऑनलाइन लेक्चर्स जो होते हैं हमारे दुबई से होते हैं। और ये अमर अकबर एंथनी है, मेंटल मैट्स, वैदिक मैट्स, पावर मैट्स, दुबई में हमारा ऑनलाइन बहुत अच्छा चलता है, जो भी है ऑनलाइन से होता है। आज कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम था, लेकिन ये एसी और ये जो ए लेवल ओ लेवल है ना, ये बहुत अच्छा है। वी आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद CIE एंड ब्रिटिश काउंसिल, और इसके बुक से पढ़ेंगे तो टीचर्स भी बहुत ट्रेन हो जाएंगे। टीचर ट्रेनिंग के लिए बुक्स अच्छा है, कंसेप्ट नॉलेज के लिए भी बुक्स बहुत अच्छे है।
any other question that you want to ask? Khatam? Question answers there. I've got five questions you can ask. Hamare teacher bhi puch sakte na, Farhana ma'am, all clusters, please ask one questions. Let me know what you have understood. Pehle ghar ki murgi, phir baad mein dal. All clusters, please ask one questions. Aisa naya maine kya baat kiya? Aap logo ke liye to main purana hu. All clusters, kitne cluster hai mere? Farhana ma'am, please ask one question. Sona ma'am, camera on karke mere ko dikhao ek question pucho. Dhai ghante se baat kar raha hu main. Sadab ma'am, Shiva ma'am, aur kon hai? Sangeeta ma'am, Vita ma'am to nahi hai bete. Teachers, पहले अपना बात देखो ना, अपना हम लोग मार्केटिंग बाद में करेंगे, पहले अपने टीचर्स ने क्वेश्चन पूछने को आना चाहिए. सही क्वेश्चन पूछना है आधा आंसर है, या कम से कम मुझे पहली बार बताओ कि ऐसा मैंने नया क्या बात किया, तुम्हारे दिमाग में क्या गया. मैं तो हमेशा वही बात करता हूँ. बाकी जो भिवंडी के लोगों के लिए और बाकी टीचर्स के लिए नया रहेगा, आपके लिए तो मैं सेम चीज बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बात भी करना है ना. एक तो कैमरा ऑन करो या क्वेश्चन पूछो, मैं तो पकड़ कट. Yeah, you can raise hand, you can write in the chat box. Unmute mat karo, theek hai. Chat box mein puch sakte, unmute karo. Only 5 minutes to go. Yes, you can ask ma'am. Akhil sir ko samajh mein aaya, forbidden gap kam karna hai. Akhil sir, iske liye training bahut important hai. फराना मैम बोली टी पैक. हाँ बराबर है, टी पैक मेरे लिए भी नया था. पीएफए कौन बोल रहा है? और कोई दूसरा बैठा है लेक्चर पे? सोनाली मैम अनम्यूट नहीं हो रहा है. अनम्यूट अनम्यूट करो ना, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो सोनाली मैम को. पूछो पूछो, अनम्यूट करो ना. मालूम तो पड़े, मेरे को भी मालूम पड़े. चैट बॉक्स में लिख सकते, अनम्यूट करो. जिसको जाना हो जाएंगे. Those who want to ask questions can stay back. Thank you for joining us. We will be there for 3 more minutes. And please like, share and subscribe all our channels. I'm there on social media. And also press the bell icon. And we are also sharing you the feedback form. So please send me the feedback form also. हाँ खुद कंप्लीटेड रखना चाहिए, बराबर है. हाँ वेरी गुड, राइट. प्रो बोनो, बराबर है सोनाली मैम ने पकड़ा. मेरे इसके अंदर भी डालो प्रो बोनो, और एसबीएल और सीबीएल भी डालो. पीबीएल हमारे बनाए थे. अनिकेत गवली इज सेइंग सृष्टि इज नाइस. अनिकेत गवली एक पिकनिक करना सृष्टि में, विजिट कर बच्चों को, तू और तेरी बहन दोनों बच्चों को सृष्टि में ले जाओ. पूरा प्लान करो, पैसे जमा करो, लेके जाओ. लॉट्स टू ऑट्स, और इस पर तो मैंने बात किया. तो उसका मतलब अनिकेत गौली मेरा लेक्चर पहली बार सुन रहा, बार बार सुन रहा. लेकिन लेके जाओ अनिकेत और अंकिता दोनों मिलके ना, बच्चों को लेके जाओ पांडिचेरी. सो आई हैव वन क्वेश्चन. हाँ एडुक्लूनर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है सोनाली मैम. बनिया मिया भाई की डेयरिंग है, बनिया का दिमाग. हम लोग इंडिया में खेलते बैठे, पूरा अफ्रीका बैठा है. स्कूल ही नहीं हुआ, इंडिया में बैठ के अफ्रीका में पढ़ा सकते हैं. ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ तो परमिशन दे रहा है दुबई. यस टीचर्स हैज टू बी सुपर कंडक्टर्स. फॉरबिडन एनर्जी गैप को आपको ये करना है, खत्म करना है. Skill development online for small kids, it is available at ADC Aliza. We are sharing our numbers. कोई तो भी नंबर शेयर करे ना, मैसेज भी करेंगे. Edutainment is also important. हमको अभी राजू हीरानी चाहिए एजुकेशन इंडस्ट्री में. हमको ऐसे टीचर चाहिए जो राजू हीरानी की जैसा ना, पूरा FTI से पास आउट हुआ होने चाहिए. FTI जो फिल्म में क्लास में ड्रामा भी लाएगा, इमोशन भी लाएगा, सट्टा भी लाएगा. हाँ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन.
अमीर शकील सर बोल रहे कि वो पीपीटी को शेयर करें। अमीर भाई थोड़ा प्रॉब्लम है यूट्यूब पे लाइव। उसके लिए तो मेरा एग्जामिन दे रही है वो, मैंने उसके बारे आज बात ही नहीं किया, लेकिन मैं बात करूंगा। वो मेरे से कोई वीडियो प्ले कर रहे बोला तो प्ले नहीं किया। एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, आपको मैं प्ले करूंगा तो आपको सब जाएगा। ये एक्चुअली क्या नाम है उनका, एनीस्पीड या इनसाइट ज्वाइन करे उसमें मिलेगा। क्या मालूम क्या पढ़ाने का एक तरीका है ये, तो मैं बार बार बताते लोग बोर हो गए सुन के, लेकिन हेक्सागोनल मॉडल, हेक्सागोनल मॉडल है ना, ये मॉडल के बारे में एक वीडियो भेजता मैं, वो भी मेरे लिए नया था। पेरेंट है या टीचर है या मेंटर है या नॉन टीचिंग स्टाफ है और या मैनेजमेंट, ये लोग सब बैठ के काम करेंगे ना हेक्सागोनल तरीके से, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा सर। बच्चे क्या नहीं पढ़ाई करते, हमका हमको बुलाओ, हम आपको हेल्प करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। नहीं नहीं वो भी अलग, वॉइस नॉट क्लियर, बोले वॉइस नहीं आ रहा क्या मेरा, आवाज आवाज अभी हो गया टाइम। ये भी नया था, ये मैंने कल एक बच्चे को पढ़ा रहा था ना, तब वहां से लाया। गरीब सर को पूछो ये NAPPE नैपे, नैपे के अलग अलग मीनिंग है, सिर्फ पैम्पलेट पैम्पलेट। जियोलॉजी में अलग है, ज्योग्राफी में अलग है, कुकिंग में अलग है और मैथमेटिक्स में अलग है। ये नैपी, ये मेरा आज का क्रिएशन है, क्रिएशन। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द वॉइस ऑफ द स्पीकर, विशाल डिस्टर्बेंस नहीं है। फीडबैक दे दो, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स, जज़ाकअल्लाह। आपको भेजता है यहाँ से, भेजेगी। सीपीडी मतलब क्या, वही नया who require CPD, we will be sharing you with you shortly. Just share your details, we need your full name. If it's proper in the Google form that you have filled, we'll use that. If not, if anybody wants corrections or anything, you have to let us know within 24 hours so that we can share the certificate with you. It will be e-certificate. Am I audible now? मेरा नंबर लिखा ना। यस, आल्सो वी विल बी शेयरिंग वन कम्युनिटी लिंक, इफ यू कैन जॉइन दैट लिंक, वी विल स्टार्ट शेयरिंग ऑल आवर वर्कशॉप्स एंड ऑल स्मॉल डिटेल्स इन दैट ग्रुप ओनली, सो यू हैव टू जॉइन द कम्युनिटी टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग एट अवर एरिया। थैंक यू सो मच, हैव अ But same. We cannot share the PPT dear, but you can have a look in our YouTube channel. You will find all the content. We will be having small workshops. You can join for our workshops and the workshop PPT we will be sharing with you. PPT क्या देखा किसे हुआ? CPD हम we'll be doing that in India all over. CPD करेंगे with all the education institutes, answer the minister. Yeah, I want the printout of that chat.
And how do Sadab ma'am, how do we know how many people joined and who joined? Who you want to know? Send karna. Okay. Thank you so much. Have a nice day. Stay connected with us on all our social media handles. We'll be sharing with that also with you. Thank you. Bye. Audio on karke bolo. Oh no.